ओके यात्रा आई गेस अभी चालू हुआ। हाँ, स्टार्ट ब्रॉडकास्ट किया हुआ नहीं था. ओके, नो वरीज, विल स्टार्ट अगेन. ऑलराइट, अपोलॉजीज फ्रेंड्स. वी लुकअप का फंक्शन हम लोगों ने शुरू किया था. आई होप नाउ आई एम ऑडिबल. सही है ऑडिबल। ओके, नहीं, ऑर्गेनाइजर्स को तो ऑडिबल है, बाकी अटेंडीज को. ओके, नो वरीज, थैंक यू विनय. All right, I'll start. This is the agenda for today. We look up के कुछ tips and tricks हम लोग देखने वाले हैं. Effectively use कैसे किया जाए we look up को. Effectively we look up को use कैसे किया जाए. फिर macros हम लोग record करेंगे and execute करेंगे. And एक बहुत ही अच्छा feature है Excel का. Excel 2016 onwards ही available है, flash fill. Okay, वो भी हम लोग देखेंगे. एंड ड्यूरिंग दिस नाउ सिंस आई एम ऑर्गेनाइजर, तो आप लोगों की कुछ क्वेश्चन अगर आ रहे हैं यू कैन पुट अप योर क्वेश्चन जैसे भी पॉसिबल रहेगा. आई मे नॉट बी एबल टू आंसर एवरी क्वेश्चन, बट आई विल श्योरली ट्राई टू आंसर द मेन मेन क्वेश्चन. आपके क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. ये एक छोटा सा डेटाबेस दिया हुआ है आपको. अब अगर मुझे इस प्रोडक्ट में से सेल्स लेना है तो व्हाट आई विल डू, आई लेट्स से प्रोडक्ट गुरु, उसका सेल्स चाहिए मुझे. सो विल यूज वी लुकअप. लुकअप वैल्यू इज दिस टेबल आर ए. दिस इज द टेबल आर ए. कैन वी गेट द एक्सेल शीट? यस श्योरली. चैट बॉक्स में मैंने ये शेयर किया हुआ है. अगेन आई विल पुट अप द मैसेज. चैट बॉक्स में गूगल ड्राइव की लिंक दी हुई है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. चैट बॉक्स में मैंने दे दिया है. ओके, ठीक है. सो वी लुकअप लगाया हम लोगों ने, कॉमा दिया, कॉलम इंडेक्स नंबर, सेल्स मेरा फोर्थ कॉलम में है एंड एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग जीरो पुट अप करेंगे. So, एक्सेल का जो फाइल है वो चैट बॉक्स में डाला है. चैट बॉक्स अनअवेलेबल. ओके, नो प्रॉब्लम. द सेशन इज रिकॉर्डेड. द सेशन इज रिकॉर्डेड. काइंडली वेट सो दैट यू कैन practice along and I have already shared my email here. This is my email ID. So you can drop me a message after the session. I'll mail this Excel file with formulas to you. Okay, don't worry. Guys, no worries. हम लोग इंस्टा पे भी शेयर कर देंगे वो गूगल ड्राइव बाद में. Yeah, चलो, let's move. Now, see. नॉर्मली होता क्या है, एक यहाँ पर हमारे कुछ प्रोडक्ट्स बढ़ जाते हैं. लेट्स से बॉक्स टू, प्रोडक्ट इज बॉक्स टू, क्वांटिटी 45, रेट लेट्स अज्यूम 30 रुपीज. तो यहाँ पर प्रोडक्ट का सेल्स आ गया. अब यहाँ पर अगर मुझे बॉक्स टू का क्वांटिटी चाहिए या सेल्स चाहिए तो नॉट अवेलेबल आ जाएगा. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉर्मूला एडिट करते हैं, यहां पर जाते हैं, टेबल आर ए का एड्रेस चेंज कर देते हैं. राइट, ऑलराइट. तो अब इस प्रॉब्लम को कैटर कैसे किया जाए, हाउ वी कैन ऑटोमेट दिस सो दैट अपना कितना भी रिकॉर्ड अपडेट होने दीजिए तो यहां पर डेटा आ जाना चाहिए. फॉर दैट पर्पज
आप ये जो डेटा दिया हुआ है या आपका जो भी डेटा रहेगा उसको एक्सेल टेबल में कन्वर्ट कीजिए। ना हाउ टू कन्वर्ट द डेटा इन टेबल, फिलहाल ये जो है अभी फिलहाल विदाउट फॉर्मेटिंग एनीथिंग रॉ डेटा है, इसको बोला जाता है रेंज। ओके, ये जो सिलेक्शन है इसको बोला जाता है रेंज। नाउ अब अगर मुझे इसको सिलेक्ट कीजिए एंड पिवोट टेबल जहां से हम लोग इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट टेबल, शॉर्टकट की है उसके लिए कंट्रोल टी। देखिए ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, दिस डायलॉग बॉक्स वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल, एंड इसको टिक रहेगा अगर आपका टेबल को हेडर्स है। करंटली हमारे टेबल को हेडर्स है, प्रोडक्ट क्वांटिटी प्राइस सेल्स, इसके लिए इसको टिक है। अगर आपके टेबल को हेडर्स नहीं है उसको अनटिक कर दीजिएगा। राइट, ये हो गया आपका टेबल रेडी। नाउ से फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर दूसरा ये करते हैं, ऊपर का फॉर्मूला वैसे ही रहने देते हैं। आई विल गो अहेड विथ बॉक्स टू। अब फिर से हम लोग वो फॉर्मूला लगाते हैं, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस टेबल आ रहे। नाउ अब आपको रेंज सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यू आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड टू गो एंड सिलेक्ट दिस रेंज। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डायरेक्टली टाइप द टेबल नेम। अब आपको टेबल नेम कहां से मिलेगा, सी आप ये टेबल में जाइए कहीं पर भी, डिजाइन मेन्यू एक्टिवेट होगा आपका। ओके, डिजाइन मेन्यू पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर देखिए ये टेबल का नाम है। ओके, दिस टेबल वन, आप लोग इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं, डेटा या फिर डेटा वन। ओके, एनीथिंग। ऑल राइट, तो अब फिर से वी लुकअप लगाते हैं हम लोग, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस, एंड नाउ यू कैन डायरेक्टली टाइप डेटा, सी यहाँ पर आ जाएगा। आप जैसे इसको सिलेक्ट करोगे देखिए आपकी रेंज सिलेक्ट हो गई, प्रॉपर रेंज सिलेक्ट हो गई आपकी। यू आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड टू गो एंड सिलेक्ट योर कर्सर, वहां पर लेकर जाइए सिलेक्ट द रेंज, नो कॉमा दे दीजिए, कॉलम इंडेक्स नंबर 4 एग्जैक्ट मैच के लिए 0, दैट्स इट। एंड योर प्रॉब्लम ऑफ एडिशन इन और डिलीशन इन द डेटा इज एड्रेस्ड। वी लुकअप आपका डायनामिक हो गया। कैसे, अब अज्यूम कीजिए कि यहां पर एक रिकॉर्ड ऐड होता है आपका। ऑल राइट, सो हाँ एक प्रिकॉशन आपको ये लेना है, या तो आप इमीडिएटली यहां से स्टार्ट कीजिए या यहाँ पर टैब प्रेस कीजिए, टेबल के लास्ट में जहां पर आपका टेबल है लास्ट में आके टैब प्रेस कीजिए। ओके, सो इन दिस केस लेट्स से कैप्टन टू, मिशेल आई विल डेफिनेटली कम टू यू फॉर दिस क्वेश्चन, व्हाट इफ मोर देन टू टेबल्स आर देयर, वी हैव सेपरेट थिंग फॉर दैट, मल्टीपल टेबल लुकअप। ओके, विल बी कवरिंग टू और मोर टेबल्स, व्हाट इफ देयर आर टू और मोर टेबल्स। ओके, सो कैप्टन टू नया प्रोडक्ट ऐड हो गया, अब 56 क्वांटिटी, लेट्स से प्राइस इज 200, तो सेल्स आ गया यहाँ पर, एंड वी आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड टू चेंज द फॉर्मूला कैप्टन टू। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने टेबल डिफाइन किया हुआ है, इंस्टेड ऑफ गिविंग अ टेबल आर ए रेंज देने के बजाय हम लोग टेबल का नाम देके वहां पर आगे बढ़ सकते हैं। राइट, द ओनली केयर यू नीड टू टेक इज टैब प्रेस करते जाइए, आपका टेबल आगे बढ़ता जाएगा। सी और कितने भी रिकॉर्ड्स आपके ऐड होने दो, आपका फॉर्मूला अपने आप चेंज होगा। देखिए इफ यू आर एबल टू सी दिस रेड लाइन, रेंज पूरा सिलेक्ट हुआ है आपका। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन गो अहेड विद इट, यू कैन यूज दिस एक्सेल टेबल फीचर टू ऑटोमेट योर वी लुकअप एक्सपीरियंस। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
यूज ऑफ वाइल्ड कार्ड विथ वी लुकअप। नॉर्मली क्या होता है, एग्जैक्ट मैच होता है, देखिए से फॉर एग्जाम्पल एक्सवाइजेड सॉफ्टवेयर, यहां पर हम लोगों को जीएसटी नंबर चाहिए, कंपनी का नाम है एक्सवाइजेड सॉफ्टवेयर एंड यहां पर भी एक्सवाइजेड सॉफ्टवेयर अवेलेबल है बट इट इज एक्सवाइजेड सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। जब तक मैं यहाँ पर एक्सवाइजेड सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड पूरा नाम डिफाइन नहीं करूंगा, जीएसटी नंबर मेरा वहां पर नहीं आएगा। चेक कर लेते हैं, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस टेबल आ रहे, दिस इज द टेबल आ रहे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर टू एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो, नॉट अवेलेबल बता देगा। क्यों? बिकॉज वी लुकअप या फिर एक्सेल इज नॉट एबल टू सर्च दिस एक्सवाइजेड सॉफ्टवेयर इन दिस लिस्ट। कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं, कभी स्पेसेस ज्यादा हो जाते हैं, कॉमन एरर से, कभी आधा अधूरा नाम लिखा होता है या फिर एक्सवाइजेड सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड है, एक्सवाइजेड सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड आ जाएगा इस तरह से। सो अगर आपका पार्शियल टेक्स्ट है तो उसके लिए वी लुकअप में एक फंक्शन अवेलेबल है पार्शियल टेक्स्ट के लिए, वाइल्ड कार्ड यूज करके हम लोग वो कर सकते हैं। अभी तो खैर ठीक है, एक्सेल 365 जो है या फिर ऑफिस 365 जो हो गया अभी, सो ऑफिस 365 में एक्स लुकअप करके फंक्शन अवेलेबल हुआ है। सो एक्स लुकअप कैन सर्च, फिर फजी लुकअप बोल के एक उन्होंने एड इन भी प्रोवाइड किया हुआ है, सो ये काफी यूज हो जाता है। अब यहां पर क्या करें, सो इन दिस केस व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज वाइल्ड कार्ड्स। अब कौन से वाइल्ड कार्ड्स, करंटली ये दो वाइल्ड कार्ड्स अवेलेबल है, एस्ट्रिक मार्क एंड क्वेश्चन मार्क, दोनों का यूज कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपको, सो दैट अपना डेटा सर्च हो जाए, जीएसटी नंबर प्रॉपरली यहां पर आ जाए। वी लुकअप किया, ओके, लुकअप वैल्यू, ये लुकअप वैल्यू ले लिया, एम्परसन किया यहां पर, एम्परसन जो दो टेक्स्ट को ज्वाइन करता है, ओके, एंड देन अपना डबल इन्वर्टेड कॉमा एस्ट्रिक मार्क डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, लुकअप वैल्यू हम लोगों ने चेंज कर दिया है। लुकअप वैल्यू क्या है अभी, T7 में जो वैल्यू है वो एम्परसन, उसके आगे एस्ट्रिक मार्क लगा दिया है हम लोगों ने। अब बाकी फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं, वैसे ही दे दो, इसको सिलेक्ट करता हूं मैं, कॉलम इंडेक्स नंबर इज 2, 0 एग्जैक्ट मैच की। सी एक्सवाइजेड सॉफ्टवेयर का जो जीएसटी नंबर है वो यहां पर आ गया है एंड नाउ वी कैन कॉपी दिस पार्शियल टेक्स्ट लुकअप सर्च हुआ। अच्छा ट्रिकर्स क्यों नहीं आया, बिकॉज देयर इज नो ट्रिकर्स। All right, this is ABC trackers. Okay, now see, trackers वाला आया नहीं था, क्यों? Because हम लोगों ने जो asterisk mark use किया है, asterisk mark use करने की वजह से क्या हुआ कि जो VLOOKUP है उसने क्या किया, XYZ software search किया, आगे का पूरा ignore कर दिया है। So VLOOKUP entered in this column एंड ये वैल्यू सर्च कर ली XYZ सॉफ्टवेयर, उतना वैल्यू अगर उसको मिल गया तो उसने आगे का जो भी वर्ड थे दो प्राइवेट लिमिटेड वो इग्नोर कर दिया, ओके, और उसने ये डेटा रिट्रीव कर लिया। अब यहां पर ट्रिकर्स में क्या हुआ, ट्रिकर्स क्यों नहीं किया, बिकॉज ट्रिकर्स मिडल वैल्यू में है, ओके, ट्रिकर्स पूरे नाम के मिडल में है,
और हम लोगों ने एस्ट्रिक मार्क कहाँ पर लगाया है, एंड में। तो इसका मतलब वो D7 की वैल्यू स्टार्टिंग में सर्च करेगा। अब अगर मुझे चाहिए कि बीच में भी अगर कोई वैल्यू है, मैच हो रही है, तो ले लो। सो हम लोग ये फॉर्मूला मॉडिफाई करेंगे फिर से, डबल इन्वर्टेड कॉमा एस्ट्रिक मार्क, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एम्परसन। अब ये फॉर्मूला ट्रेकर्स वाला फॉर्मूला ही हम लोगों ने चेंज किया, आप पूरे फॉर्मूला को भी ये लगा सकते हो। ओके क्या हुआ, अब पूरे पूरा जो टेक्स्ट स्ट्रिंग रहेगा आपका, उसमें वी लुकअप विल सर्च ओनली द वर्ड ट्रेकर्स। ट्रेकर्स जैसे ही उसको मिलता है, वो उसकी वैल्यू रिट्रीव कर देगा। एंड ये फॉर्मूला आप कहीं पर भी पूरे इसमें भी लगा सकते हो। तो अब इसने क्या किया, सफिक्स में और प्रीफिक्स में दोनों तरफ हम लोगों ने एस्ट्रिक मार्क लगा दिया है। ओके एस्ट्रिक मार्क आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ में यूज करना पड़ेगा, सो दैट वी लुकअप अज्यूम्स इट टू बी द टेक्स्ट। अदरवाइज एस्ट्रिक मार्क यूज करोगे, मल्टीप्लीकेशन लेगा वो। So this is how you can use wild card. This is how you can use wild card with VLOOKUP. Okay. Purvesh, I am audible, right? Yes, sir, you're audible. No Okay. issues so far. Yeah. Okay. Next, हाँ, वाइल्ड कार्ड क्वेश्चन मार्क का भी बताता हूँ, डोंट वरी। All right. Now, say for example, ये कुछ डेटा है, लेट्स से 45। केदार 85, वेश 95, आशीष 10, जतिन। ओके या श्योरली ट्रेकर्स वाला मैं रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। नाउ क्वेश्चन मार्क देखते हैं हम लोग के क्या है। ना सी, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज हम लोगों को कुछ स्पेसिफिक सर्च करना है। अभी एस्ट्रिक मार्क जब हम लोगों ने यूज किया, एट दैट टाइम क्या हुआ, हम लोगों को यहाँ पर कुछ भी ध्यान देना नहीं पड़ा। उसने पूरा वर्ड सर्च किया, ट्रिकर्स के वहां पर भी सफिक्स में भी लगा दिया हम लोगों ने, प्रीफिक्स में भी लगा दिया, सफिक्स में भी लगा दिया। ओके आई गो स्लो। सफिक्स में भी लगा दिया है एंड प्रीफिक्स में भी लगा दिया है। सो वी लुकअप ने क्या किया, ट्रिकर्स वर्ड सर्च किया टेक्स्ट स्ट्रिंग में, और जहां पर भी उसको स्टार्टिंग में भी मिला तो भी आउटपुट मिला है हम लोगों को। बीच में भी अगर ट्रेकर्स वर्ड या दूसरे कोई वर्ड, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक सर्च करने के लिए बोला था, तो आईसीआईसीआई बैंक वर्ड अगर उसको टेक्स्ट स्ट्रिंग में मिल गया तो वो डेटा रिटर्न कर देगा। ओके दोज हु आर हैविंग वॉइस इश्यूज काइंडली चेक योर इंटरनेट कनेक्शंस। ओके नाउ
क्वेश्चन मार्क के केस में क्या होता है, हम लोगों को एस्ट्रिक में जब हम लोगों ने यूज किया तो एंटायर वर्ड्स उसने इग्नोर कर दिए, एंटायर वर्ड्स उसने इग्नोर कर दिए। ओके, यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड था, यहाँ पर लिमिटेड था, कहीं पर लिमिटेड था, प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ओके, ऐसे जो वर्ड्स थे उसने एंटायरली इग्नोर कर दिए। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज हम लोगों को कुछ कैरेक्टर्स ही इग्नोर करने रहते हैं। ओके, जैसे लेट्स से मैं एक यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेता हूं, ये एक डेटा लिया है मैंने जहां पर रोल नंबर है और मेरा नाम है। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो अब अगर मुझे चाहिए कि कौन से नंबर 700 से 800 के बीच में है, कितने नंबर से 700 टू 800 के बीच में, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं मैं सो दैट नंबर्स चेंज ना हो। ओके, 700 टू 800 के बीच में जितने नंबर्स है वो काउंट करने हैं। ऑलराइट, ऐसी ये एक है, ये एक है एंड दिस द वन। इतने चार नंबर्स है जो 700 टू 800 के बीच में। नाउ काउंट एफ, एक फॉर्मूला है काउंट एफ जहां पर आप कंडीशंस दे सकते हो कि कितने नंबर्स आपको कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद में वो नंबर्स काउंट करने हैं। काउंट एफ रेंज दे दिया हम लोगों ने, ये रेंज सिलेक्ट कर लिया, राइट right? और अब वो पूछ रहा है कि क्राइटेरिया क्या है। ऑलराइट, तो मैं उसको दे सकता हूं 7। ओके, एम्परसन लगाता हूं, एस्ट्रिक मार्क यूज किया। देखिए चार आ गया। अब मुझे कहा चाहिए कि 7 से बिगिन होने वाले दो डेटा मैंने चेंज कर दिया। 7 से बिगिन होने वाले यहां पर मिल गया, कैसे 7 दे दिया मैंने और उसके बाद में एस्ट्रिक लगा दिया है, एस्ट्रिक लगा दिया है। ओके, अब मुझे चाहिए कि 7 से बिगिन होने वाले लेकिन एंड पांडे से हो रहे हैं। ओके, एंड पांडे से हो रहा है, ऐसे कितना है काउंट कीजिए। काउंट एफ रेंज, अगेन आई विल गिव द रेंज, कॉमा कर दिया। अब 7 से बिगिन होने वाले भी लेना है और पांडे से एंड होने वाले भी लेना है, तो मुझे कितने कैरेक्टर्स इग्नोर करने पड़ेंगे। सीधा डायरेक्टली मैं एस्ट्रिक मार्क नहीं दे सकता यहां पर। ओके, क्योंकि वो पूरा इग्नोर कर देगा फिर एस्ट्रिक मार्क अगर दे दिया तो मुझे क्या करना है। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड, 7 के बाद में कितने कैरेक्टर्स है यहाँ पर, 8, 5 एंड स्पेस। तो इसके लिए मैं 3 क्वेश्चन मार्क्स यूज करूंगा। एस्ट्रिक अगर यूज किया तो एंटायर स्ट्रिंग इग्नोर हो जाता है, कितने भी कैरेक्टर्स रहने दो, कितने भी वर्ड्स रहने दो। बट वेन यू यूज क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन मार्क यूज करोगे, एक कैरेक्टर इग्नोर होगा। ओके, एंड देन अगेन एम पर्सन पांडे। अब ये फॉर्मूला क्या करेगा, 7 से बिगिन होने वाले, बीच में नंबर्स कुछ भी रहने दो, 7 से बिगिन होने वाले और पांडे से एंड होने वाले कितने हैं। 2, कौन सा था, ये वाला था, दिस वन
एंड दिस वन. सो बेसिकली वाइल्ड कार्ड्स, बेसिकली वाइल्ड कार्ड्स का यूज क्या होता है कि कोई टेक्स्ट स्ट्रिंग में अगर कुछ हम लोगों को इग्नोर करना है, भैया तेरे को एबीसी ट्रैकर मिल गया ना, बाकी का आगे का टेक्स्ट स्ट्रिंग इग्नोर कर दे. अब मिडल में कुछ इग्नोर करना है, से फॉर एग्जाम्पल जैसा अभी हम लोगों ने यहां पर देखा, काउंट इफ फॉर्मूला यूज किया है, सेवन से बिगिन होने वाला है और पांडे से एंड होने वाले, जो भी नंबर्स रहेंगे जो भी सेल्स रहेंगे उतने काउंट करो. तो हम लोगों ने क्या किया, बीच में फिर तीन कैरेक्टर्स इग्नोर करने थे हम लोगों को, तीन क्वेश्चन मार्क यूज किए. क्वेश्चन मार्क्स विल इग्नोर कैरेक्टर एंड एस्ट्रिक विल इग्नोर द एंटायर वर्ड. जितने क्वेश्चन मार्क्स यूज करोगे उतने. नाउ सी, यहां पर फाइव क्वेश्चन मार्क्स दिए हुए, फाइव कैरेक्टर्स विल बी इग्नोर. All right. I hope it is clear. One more thing. Okay, a question in taskbar, there is fuzzy lookup and power pivot. These are advanced commands. Power pivot and fuzzy lookup, these are way too advanced commands. Aaj ke agenda mein wo nahi hai. डेफिनेटली हम लोग कभी और जब देखेंगे तो पावर पिवोट एंड पावर क्वेरी फजी लुकअप ये सभी भी देख सकते हैं. यूजिंग पावर क्वेरी यू कैन हैंडल एनी नंबर ऑफ डेटा. इन फ्यू सेशंस वी हैव हैंडल्ड नियरली 17 लाख लाइन आइटम्स यूजिंग पावर क्वेरी एंड पावर पिवोट. एनीवेज एजेंडा इज सेट फॉर टुडे, हम लोग उसी को स्टिक रहेंगे. ओके All right. So someone has asked के multiple tables अगर रहे तो क्या. All right. अब यहाँ पर ये third sheet है. Third sheet में multiple table lookup कैसे किया जाए ये दिया हुआ है आप लोगों को. How to go ahead with multiple table lookup. See, first sheet में हम लोगों ने single table था उसमें से lookup कर लिया. अब थर्ड शीट जो है उसमें से मल्टीपल टेबल लुकअप करना है हम लोगों को. ऑलराइट, अब जैसे ही हम लोग टेबल्स डिफाइन करते हैं, ओके, जैसे ही हम लोग टेबल्स डिफाइन करते हैं उसको कुछ ना कुछ नाम आता है. ओके, अब यहां पर देयर आर थ्री टेबल्स जहां से हम लोगों को डेटा फेच करना है. यूजिंग ओनली वन फॉर्मूला वी लुकअप का सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करके हम लोग तीनों टेबल से लुकअप वैल्यू फेच कर सकते हैं. ओके, फॉर दैट पर्पस लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये डेटा क्या दिया हुआ है. दिस इज अ रैंडम डेटा फॉर एक्स वाई जेड फर्नीचर शॉप. बिल नंबर्स दिए हुए, क्वांटिटी दी हुई है, उसने कौन सा टाइप खरीदा है वो दिया हुआ है. टाइप इज आइदर एडहेसिव या फिर प्लाई कमर्शियल या फिर प्लाई वाटरप्रूफ, और उनका जो प्राइसिंग है वो इधर दिया हुआ है. ये प्लाई कमर्शियल का प्राइसिंग है, साइज, रेट पर स्क्वायर फीट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट. सो रेट साइज इज 4x4, सो दैट कम्स टू 16 स्क्वायर फीट. 16 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाइड बाय 35, सो दैट गोज टू 560, लाइक दिस. ऐसे ये डेटा प्रिपेयर किया हुआ है. ओके, एंड सिमिलर सेम इज द थिंग विद प्लाई वाटरप्रूफ. साइज 8x4, 4x4, 3x4 अकॉर्डिंगली दिया हुआ है. And the third table is adhesives. Okay, जो फेविकॉल और ये प्लाई चिपकाने के लिए जो आता है वो. Alright, ये तीन टेबल में से हम लोगों को अब डेटा सर्च करना है, डेटा फेच करना है. ठीक है, नॉर्मल अगर मैं वी लुकअप दू, ओके, तो क्या होगा. अब यहाँ पर टाइप इधर दिया हुआ है, एडहेसिव का टेबल, प्लाई कमर्शियल, एडहेसिव, प्लाई कमर्शियल. देन यहाँ पर ये प्लाई वाटर प्रूफ है, प्लाई वाटर प्रूफ, एडहेसिव, प्लाई कमर्शियल, ये टाइप यहाँ पर दिया हुआ है. तो मुझे प्राइस अगर फेच करनी है तो मुझे ये देखना पड़ेगा, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, साइज, साइज कहाँ सर्च करनी है, एडहेसिव के टेबल में जाके मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. एडहेसिव का टेबल सिलेक्ट किया मैंने. ओके, ऐसी आई थिंक ये ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, मैं फॉर द टाइम बींग वो हटा देता हूं सो दैट आपको
फिर से बता सकूं। ओके नेम्स डिफाइन कैसे करने हैं वो फिर से बता सकूं आपको, इसके लिए डिलीट कर दिया। ओके नाउ नॉर्मल फॉर्मूला अगर मुझे लगाना है, वी लुकअप लगाऊंगा मैं, लुकअप वैल्यू साइज, देन एडिसेस के टेबल में जाऊंगा, एडिसेस का टेबल सिलेक्ट किया, F4 प्रेस कर दूंगा सो दैट कांस्टेंट हो जाए वो, कॉलम इंडेक्स नंबर थर्ड कॉलम में है प्राइसिंग एग्जैक्ट मैच के लिए 0, तो एडिसेस में से 2 किलो का साइज जो रहेगा वो सर्च करेगा 116 रुपीज आ गया। ओके 116 रुपीज आ गया यहाँ पर, सो दिस इज 2 kg एंड उसका 116 आ गया। अब अप्लाई कमर्शियल, तो अब क्या होगा, यही फॉर्मूला कॉपी कर सकता हूँ क्या मैं नीचे? नो, क्यों? क्योंकि ये अप्लाई कमर्शियल वाला साइज है, ये सर्च करेगा ही नहीं, यहाँ ले लेगा क्योंकि एडहेसिव वाला ही है, यहाँ ले लेगा, यहाँ लेगा, तो जहां एडहेसिव है वहां पर ये फॉर्मूला काम करेगा, बाकी जगह पे नॉट अवेलेबल दिखा देगा। ठीक है, दिस इज वन थिंग। तो फिर इसको काउंटर करने के लिए क्या, यहाँ पे जाके जो मैन्युअली हम लोग करते हैं, कौन सा है, अप्लाई कमर्शियल वाला है ना, तो अप्लाई कमर्शियल का वैल्यू ले लिया, F4 प्रेस कर दिया, एंटर कर दिया, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। बट हर बार ये कर सकते क्या? इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, हर बार हम लोग कॉपी पेस्ट में वो डेटा शेयर नहीं कर सकते, सेम फॉर्मूला हर एक जगह पे एप्लीकेबल होना चाहिए। तो इसको ऑटोमेट करने के लिए पहले हम लोगों को 3 चीजें देखनी पड़ेगी, एक तो वी लुकअप का फंक्शन, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, सबसे पहले है वी लुकअप, वी लुकअप हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेम। अब ये नेम क्या होता है, ओके लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज नेम, ब्रीफ देता हूं आपको और हम लोग फिर नेम्स डिफाइन करेंगे। ऐसी यहाँ पर ये जो कॉलम ए है इसके ऊपर एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स है, आपका जो फॉर्मूला बार रहता है उसके 2 पार्ट है, एक नेम बॉक्स होता है यहाँ तक और आपका फॉर्मूला बार। ओके जो नेम बॉक्स है उसमें आपको दिखता रहेगा I2 सेल एड्रेस, सेल एड्रेस इज I2। अब आप J3 पे जाओगे तो वहां पर J3 दिखेगा। ओके दिस द सेल एड्रेस गिवन, ओके व्हेन वी से J3 सो इट इज कॉलम J एंड रो नंबर 3। ये सेल एड्रेस आप लोग चेंज कर सकते हो, ओके सेल एड्रेस आप लोग चेंज कर सकते हैं, से फॉर एग्जांपल I2 को वहां पर एक पैन लिखता हूं मैं, लेट्स से ये पैन नंबर है, ओके और मैंने डिफाइन किया क्लाइंट पैन सी पैन। ओके तो जब भी आप I2 पे जाओगे आपको वहां पर अब I2 नहीं दिखेगा, इट विल शो यू सी पैन। ओके वो जो सेल I2 था उसका एड्रेस अब चेंज हो गया, उसका नाम चेंज हो गया है, पहले का नाम उसका I2 था, अब नाम है उसका सी पैन। अब पूरे शीट में आप कहीं पर भी जाओ, से फॉर एग्जाम्पल मैं इंडेक्स के शीट में हूं, मैंने इज इक्वल टू किया और सी पैन दे दिया, तो वहां का डेटा यहां आ जाएगा। ओके पूरे वर्कबुक में आप कहीं पर भी ये नेम यूज कर सकते हो, यू कैन इवन यूज इट इन फॉर्मूला एज वेल। ओके बार बार आपको वहां पर जाकर उस सेल एड्रेस को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी शीट में आप काम कीजिए, बेसिक डेटा जो है आपका क्लाइंट का पैन है, GST नंबर है, क्लाइंट का नाम है, एड्रेस है, डेट ऑफ साइनिंग रिपोर्ट है, उसका डेट ऑफ बर्थ है, ये जो चीजें चेंज नहीं होने वाली इनको डिफाइन करके रख दीजिए एक जगह पे, उनका नाम डिफाइन करके रख दीजिए इनपुट शीट में, और पूरे शीट में आप इज इक्वल टू DOB करोगे उसका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, यू नीड नॉट सर्च फॉर एनीथिंग। ओके इज इक्वल टू पैन करोगे उसका पैन आ जाएगा। ओके वन टाइम ये डिफाइन करने पड़ेंगे आप लोगों को।
Nidhi, the session is being recorded and it will be available to you all after the end of the session. Right now it is getting recorded. All right. So ye ho gaya aapka names manager. Okay. Naam aap define kar sakte ho. So for the time being, हम लोग ये जो टेबल्स है इनके नाम डिफाइन कर देते हैं, और जरूरी नहीं है एक सेल का, आप एक रेंज के लिए भी नाम डिफाइन कर सकते हो. सो से फॉर एग्जांपल ये जो प्लाई कमर्शियल है उसको सिलेक्ट किया और उस रेंज को हम लोग नाम देते हैं प्लाई कमर्शियल. ऐसी जब भी आप वो रेंज सिलेक्ट करोगे यहां पर नेम बॉक्स में आपको प्लाई कमर्शियल दिखेगा. आप कोई सिंगल सेल करोगे I11, J12, लेकिन जब आप रेंज सिलेक्ट करोगे पूरा तो आपको वहां पर प्लाई कमर्शियल दिखेगा कि इस रेंज का नाम प्लाई कमर्शियल है. ओके, देन अगेन ये सिलेक्ट किया रेंज, नेम बॉक्स में गए, इसको नाम दे दिया प्लाई वाटर, वाटरप्रूफ के लिए. ये नाम क्यों दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि टाइप वैसे डिफाइन किया हुआ है, हम लोग उसको लिंक लगा देंगे, हम लोग उसको बोलेंगे यहां पर एडहेसिव है तो एडहेसिव के टेबल में जाके सर्च कर, यहां पर प्लाई कमर्शियल है प्लाई कमर्शियल के टेबल में जाके सर्च कर. सो कुछ ना कुछ लिंक एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी तभी वो सर्च कर पाएगा. एडहेसिव का टेबल सिलेक्ट किया एंड इसको नाम दे दिया एडहेसिव. ओके, सो हर एक टेबल के नाम डिफाइन कर दिया हम लोगों ने, पहला स्टेप हो गया हम लोगों का मल्टीपल टेबल लुकअप के लिए. वी लुकअप का एक सिंगल फॉर्मूला यूज करके वी लुकअप विल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट द टेबल, उसमें से डेटा सर्च कर लेगा. ओके, अब बारी आती है इनडायरेक्ट फंक्शन की. यस, यू कैन गिव सेपरेट नेम टू अ सेल. इस रेंज को आपने प्लाई कमर्शियल देके रखा हुआ है और सेल J12 को आप दूसरा नाम दे सकते हो. टेबल नेम एंड रेंज नेम, नो, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स. टेबल नेम एंड रेंज नेम, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स. ओके, ऑलराइट. सो हम लोगों ने ये टेबल्स के नाम डिफाइन कर दिया है. नाउ लेट्स मूव अहेड. अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, फिर देखेंगे कि उसमें दिक्कत क्या हो रही है और फिर इनडायरेक्ट फंक्शन के पास जाएंगे. ऑलराइट, सो वी लुकअप लगाया हमने, साइज सिलेक्ट किया, लुकअप साइज देखो, कॉमा दिया, टेबल आरे, टेबल आरे कहाँ लिखा हुआ है हम लोगों का, ये टाइप के कॉलम में. एडहेसिव सिलेक्ट किया, कॉलम इंडेक्स नंबर 3, हर एक में प्राइस जो है कॉलम इंडेक्स नंबर 3 में ही है. एंड एग्जैक्ट मैच के लिए 0. ठीक है, विल इट बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब? यस श्योरली, आई विल मेक इट अवेलेबल ऑन यूट्यूब एज वेल. करंटली इट इज शोइंग नॉट अवेलेबल. व्हाई इट इज शोइंग नॉट अवेलेबल? बिकॉज जो टेबल आ रहे आपने सिलेक्ट किया है वो C8 दिखा रहा है, यहां पर C8 में, वो C8 में जाके सर्च कर रहा है. ओके, वो C8 में जाके सर्च कर रहा है, राइट, C8 में जाके सर्च कर रहा है, C8 में जाके वो सर्च कर रहा है, वहां पर लिखा हुआ है एडहेसिव. ओके, रेंज का नाम लिखा हुआ है वहां पर, लेकिन वी लुकअप को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये रेंज का नाम है. तो फिर इस टेक्स्ट को, करंटली वी लुकअप इज कंसिडरिंग दिस एज अ टेक्स्ट, रेंज का नाम कंसिडर नहीं कर रहा है. ओके, रेंज का नाम कंसिडर नहीं कर रहा है इसको, तो इसको वी लुकअप को बताना पड़ेगा कि बॉस ये टेक्स्ट नहीं है, दिस इज द नेम ऑफ रेंज. तो उसको कन्वर्ट करने के लिए द फंक्शन इज इनडायरेक्ट, द फंक्शन इज इनडायरेक्ट. ठीक है, हाँ, अब अपना फॉर्मूला कंप्लीट हो गया. इनडायरेक्ट फंक्शन विल कन्वर्ट टेक्स्ट टू अ रेंज. ओके, टेक्स्ट टू अ रेंज नेम. इसने 116 ले लिया दो सर्च करके. अब मैं ये फॉर्मूला कॉपी करता हूं,
नीचे पेस्ट करता हूं। देखिए 792 ले लिया, एडहेसिव्स में जाके फिर से उसने सर्च कर लिया, कॉपी करता हूं, प्लाई वाटरप्रूफ कहाँ है, ये यहाँ पर 684 ले लिया। सो अब एक्सेल क्या वी लुकअप क्या कर रहा है, वी लुकअप D8 की वैल्यू सर्च कर रहा है, D8 की वैल्यू 2 कहां सर्च कर रहा है, C8 में नहीं, नो नॉट इन C8, सेल C8 में सर्च नहीं कर रहा है, C8 में जिस टेबल का नाम दिया हुआ है, C8 में जिस टेबल रेंज रेंज का नाम, सेल रेंज का नाम दिया हुआ है, उस रेंज में जाके सर्च कर रहा है। ओके एंड नाउ यू कैन कॉपी द फॉर्मूला, दैट्स इट। अब एक्सेल क्या करेगा, C9, यहां पर C9 में जाएगा, C9 में जो टेक्स्ट है, C9 में जो टेक्स्ट है, C9 में जो टेक्स्ट है उसके टेबल रेंज में जाएगा, उस नाम के रेंज में जाएगा और वहां से वैल्यू पिकअप करके आएगा। ओके, दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म मल्टीपल टेबल लुकअप यूजिंग अ सिंगल फॉर्मूला। तीन फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन यूज किया है हम लोगों ने, नेम, इनडायरेक्ट एंड वी लुकअप। पहले क्या किया हम लोगों ने, टेबल रेंज को नेम दे दिए, नाम डिफाइन कर दिया उसका, लाइक कमर्शियल। ओके ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस मल्टीपल टेबल लुकअप, दिस हाउ यू कैन परफॉर्म। एंड ये फॉर टोटल सेल्स, दिस इज क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, कॉपी करो। सेल्स वाला कॉलम तो मल्टीप्लाई करना है आपको क्वांटिटी और प्राइस। ओके यूट्यूब चैनल नेम, यूट्यूब चैनल नेम इज ट्यूटरिको बाय CA केदार पांडे। ऑलराइट, वी ऑल्सो यूज अल्टरनेटिव लाइक यूजिंग इफ एरर फंक्शन। इफ एरर फंक्शन विल कन्वर्ट योर एरर टू अ स्पेसिफाइड वैल्यू, अगर एरर आ रहा है तो, अगर एरर आ रहा है तो एक स्पेसिफाइड वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर समटाइम्स रिपोर्ट्स जनरेट हो रही है और आपको वहां पर नॉट एप्लीकेबल या रेफरेंस एरर या नेम एरर या वैल्यू एरर ऐसा कुछ एरर नहीं चाहिए, तो इफ एरर फंक्शन आप इफ के साथ में यूज कर सकते हो, वी लुकअप के साथ में यूज कर सकते हो। ऑलराइट, अब few days back I was taking the same session somewhere, they asked me what if the price is not in same column, what if the price is not in same column। अभी फिलहाल तो आपकी price third column में ही है, इसके लिए column number 3 दे दिया आपने हर एक formula में। What if the price is not in same column, कभी second column में, कभी fourth column में, कभी fifth column में है, तो क्या करें, इसके लिए भी ऑटोमेशन किया जा सकता है। वी लुकअप कैन टेक कॉलम नंबर बाय इटसेल्फ, मैन्युअली कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5 डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कॉलम नंबर वी लुकअप सिलेक्ट कर सकता है, इसके लिए आगे देखेंगे हम लोग। व्हेन टेबल्स आर इन डिफरेंट शीट और एक्सेल फाइल विल दिस फॉर्मूला वर्क, if it is in same file when different sheet this formula will work, not for different files। okay all right, to ye jo column number 3 de rahe ho aap isko bhi automate kiya ja sakta hai, you are not at all required to put it manually। if error function surely, I'll definitely explain if error function, don't worry, error jab aega I'll explain if error function as well।
what if there is no type column and we want to look up multiple tables as table array, then in that case aap automate nahi kar paoge. Ek column aapko insert karna hi padega ki kaun se table ka hai. If there is no type column to fir aapko table array jo automate karna hai uske liye ek column insert karna hi padega, instructions dene hi padenge, kahi na kahi link aapko establish karni padegi. Otherwise if this column is not there to ये साइज और कौन से टेबल में लुकअप करना है ये वी लुकअप को समझ में नहीं आएगा. ओनली इनडायरेक्ट फंक्शन हम लोग यूज नहीं कर सकते. देयर हैज टू बी सम टेक्स्ट सो दैट दिस टेक्स्ट इनडायरेक्ट फंक्शन विल कन्वर्ट द टेक्स्ट टू अ रेंज नेम. ओके, तो वो जब तक वहां पर टेक्स्ट कुछ मिलेगा नहीं उसको इनडायरेक्ट फंक्शन को तब तक आप लोग नहीं कर पाओगे. यस, चलिए आगे बढ़ते हैं. प्लीज शो हाउ वी कैन ऑटोमेट कॉलम इन वी लुकअप. यस श्योरली, आगे शीट नंबर 5 वही है या फिर शीट नंबर 4 वही है. जस्ट अ मोमेंट. All right, sorry. Yes, so we're going ahead with sheet number 4. Now see, in this case, match function with VLOOKUP. पहले हम लोग बात करते हैं कि match function होता क्या है. Okay, then we'll see कि index क्या होता है. ए बेटा दरवाजा लगा ले. ऑलराइट, थैंक यू तन्मय. या लेट्स बिगिन यूज ऑफ मैच फंक्शन विद VLOOKUP. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज मैच फंक्शन. मैच फंक्शन करता क्या है. नाउ देखो, कभी भी अगर एक्सेल में आप कहीं पे स्टक हो जाओ तो एक्सेल आपको हेल्प रेडीली अवेलेबल करके देता है. ऐसी मैच फंक्शन जैसे ही मैंने टाइप किया इज इक्वल टू करके रिटर्न्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन आइटम इन एन आरे दैट मैचेस अ स्पेसिफाइड वैल्यू इन द स्पेसिफाइड ऑर्डर. अब ये मैच फंक्शन करेगा क्या वो मैं आपको बताता हूं. ठीक है, मैच फंक्शन, अब से फॉर एग्जांपल ये एम्प्लॉय नेम्स है, मुझे यहां पर सर्च करना है कि केदार नाम जो है एम्प्लॉई विद द नेम केदार ये कौन से नंबर के रो में, उसका डेटा कौन से नंबर के रो में है. ओके, सो मैच लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू पहले लुकअप वैल्यू लिख देते हैं केदार. मैच लुकअप वैल्यू दिस, या फिर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा करके यहां पर भी केदार टाइप कर सकते. Lookup value this. Okay. Deepak, we have already used wildcard with VLOOKUP. Okay. Second sheet mein hum logon ne already wo use kiya hai. Okay. So match function. This is the table array or lookup array. F4 कर देता हूँ इसको, comma देता हूँ. Match type less than exact match and greater than match. One दिया तो less than match, exact match के लिए 0 दे देते हैं and bracket close. So जो table range या फिर range मैंने दिया हुआ था search करने के लिए बोला था, so केदार का data row number 7 में है. मैंने vertical lookup किया, column select किया तो उसने बताया मुझे बॉस केदार नाम 7th पोजीशन पे है. राइट, कैन वी से कि यहां पर अगर मैं वर्टिकल लुकअप करूं
तो मुझे रो नंबर मिलेगा, राइट, सेवेंथ रो में है। अब अगर मैं यहां पर समीर टाइप करता हूं रो नंबर 8, पंकज टाइप करता हूं रो नंबर 9 में है। सो दैट मींस मैं अगर वर्टिकल लुकअप कॉलम लुकअप करता हूं तो मुझे रो नंबर मिलेगा, एंड हॉरिजॉन्टल लुकअप करता हूं तो हॉरिजॉन्टल लुकअप पे मुझे कॉलम नंबर मिलेगा, राइट। हॉरिजॉन्टल लुकअप करूंगा कॉलम नंबर मिलेगा, हॉरिजॉन्टल लुकअप पे कॉलम नंबर। सो से फॉर एग्जांपल मुझे सर्च करना है कि ईमेल आईडी कौन से कॉलम नंबर में है, इस रो में कौन से पोजीशन पे है। लुकअप आप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं या वर्टिकल कर सकते हैं, दोनों में आपको पोजीशन क्या है वो मिलेगी। हॉरिजॉन्टल लुकअप करोगे कॉलम पोजीशन मिलेगी, वर्टिकल लुकअप करोगे रो पोजीशन मिलेगी। तो मुझे सर्च करना है कि ईमेल, सो आई विल स्टार्ट विथ मैच लुकअप वैल्यू दिस लुकअप अरे, दिस द लुकअप अरे, कॉमा कर देता हूं एग्जैक्ट मैच के लिए 0। सो ईमेल आईडी इज इन फिफ्थ कॉलम एंड पंकज नेम डेटा ऑफ द एम्प्लॉय पंकज इज इन रो नंबर 9। एंड नाउ वी कैन यूज दिस मैच फंक्शन कॉलम के वहां पर वी लुकअप में, जहां पर हम लोग कॉलम नंबर मैन्युअली 5 या 9 डालते हैं, वहां पर इंस्टेड ऑफ पुटिंग कॉलम नंबर मैन्युअली यू कैन पुट यूज यू कैन यूज मैच फंक्शन। नाउ लेट्स सी, यहां पर ये डेटा दिया हुआ है हम लोगों को। अब मुझे एम्प्लॉय विद द नेम नरेंद्र उसका डेटा चाहिए, जिप कोड चाहिए, लुकअप वैल्यू दिस इज द लुकअप वैल्यू, F4 कर देता हूं कॉन्स्टेंट हो जाए, टेबल आ रहे दिस इज द टेबल आ रहे, ओके F4 ऑल राइट, कॉलम इंडेक्स नंबर जिप कोड इज इन कॉलम नंबर 4, ये आ गया, कॉपी कर लेता हूं नीचे। Now state is in column number 3, city is in column number 2, email is in column number 5 and phone number is in column number 6, right? ये क्या हुआ, हम लोगों को manually हर जगह column number change करना पड़ा। अब अगर मुझे ये column number manually नहीं डालना है, we can use match function. Now see, यहाँ पर same we lookup value this, F4 कर देता हूँ, table array, table array select किया मैंने, उसको भी F4 कर दिया, same table array select किया है, कोई change नहीं। Now the only change we are doing is the match function. Match function लुकअप वैल्यू जिप कोड सर्च करो कहां पर, रो में, हॉरिजॉन्टल सर्च करोगे आपको कॉलम नंबर मिलेगा, ये सिलेक्ट कर लिया लुकअप अरे एग्जैक्ट मैच के लिए 0, कॉमा दे दिया। अब हम लोग फिर से वी लुकअप में आ गए, रेंज लुकअप 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, सी एंड नाउ आई कैन डायरेक्टली कॉपी एंड प्रेस एंटर। अब यहाँ पर हुआ क्या, कॉलम नंबर ऑटोमेटिकली आ गया, ऐसी उसमें का सिर्फ मैच वाला फंक्शन जो है वो मैं कॉपी करके साइड में दिखा देता हूं आपको, और ये कॉपी करो नीचे, देखो यहां पर कॉलम नंबर 4 आया है, इधर कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 2, कॉलम 5, कॉलम 6, यस जादू। ऑलराइट, so this is how we can automate the column numbers, this is how we can automate the column numbers, और VLOOKUP में कहीं पर भी आपको column number manually देने की जरूरत नहीं है, provided आपका जो data है उसको headers है। अगर आपके data को headers है तो आप column numbers automate कर सकते हैं using match function। match function बहुत simple है, data search करेगा given रो या गिवन कॉलम में और वो कौन से नंबर पे है उतना आपको रिटर्न कर देगा। हॉरिजॉन्टल लुकअप करोगे
मैच फंक्शन से कॉलम नंबर मिलेगा, वर्टिकल लुकअप करोगे रो नंबर मिलेगा, ठीक है। तो जब आप एच लुकअप करते हो तो वर्टिकल लुकअप करना, वहां पर वर्टिकल लुकअप यूज करना, वर्टिकल मैच करना, और वी लुकअप यूज करते हो, वर्टिकल लुकअप यूज करते हो तो हॉरिजेंटल मैच यूज करना, तो आपको कॉलम नंबर्स मिलेंगे। ऑलराइट, दिस इज हाउ यू कैन गो अहेड। आगे बढ़ते हैं, रिवर्स लुकअप। नाउ व्हाई वी आर सीइंग दिस रिवर्स लुकअप, वी लुकअप का एक डिसएडवांटेज है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिसएडवांटेज वी लुकअप हैविंग? यस, एनी ऑफ द अटेंडीज, तन्मय, हुसैन, तुषार, तानिया, सामने जो दिख रहे हैं। इट वर्क्स लेफ्ट टू राइट, राइटली पॉइंटेड आउट बाय निधि। इट वर्क्स लेफ्ट टू राइट, वी लुकअप वर्क्स ओनली लेफ्ट टू राइट। अगर आपको कहीं पर भी लेफ्ट साइड का डेटा सर्च करना है तो वी लुकअप काम नहीं करेगा, राइट टू लेफ्ट काम नहीं करेगा। ओके, नाउ सी, ये डेटा में नॉर्मली क्या होता है, बिल नंबर स्टार्टिंग में ही होता है। तो यहां पे जो डेटा है बिल नंबर फोर्थ कॉलम में, और अब हम लोगों को बिल नंबर से कस्टमर का नाम सर्च करना है। यस, दिस इज अ डिसएडवांटेज, दिस इज अ डिसएडवांटेज, लेफ्ट टू राइट ही सर्च करेगा। ओके, अब देखते हैं, अब देखते हैं कि अगर बिल नंबर के राइट वाला या लेफ्ट वाला डेटा अगर हम लोगों को रिट्रीव करना है तो देन इन दैट केस क्या, इन दिस केस इंस्टेड ऑफ यूजिंग वी लुकअप, रिवर्स लुकअप, रिवर्स लुकअप जो बिल नंबर के लेफ्ट में जो डेटा है वो सर्च करना है हम लोगों को, तो वी लुकअप काम नहीं करेगा यहां पर, वी लुकअप वोंट वर्क। फॉर दैट पर्पज हम लोगों को दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। यस, एक्स लुकअप इज अ न्यू फीचर इंट्रोड्यूस्ड बाय एक्सेल, बट इट इज अवेलेबल इन बीटा वर्जन ओनली, स्टिल नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन। इवन मेरे पास लाइसेंस 2019 है, स्टिल इट इज नॉट अवेलेबल इन 2019, इट्स स्टिल इन बीटा वर्जन, इट्स स्टिल इन बीटा वर्जन। All right, it's still in beta version and not available for everyone. So till that time, we need to go ahead with using other functions. अब अगर reverse lookup हम लोगों को करना है, तो दो functions का combination हम लोगों को करना पड़ता है। एक तो match हम लोगों ने already देखा, जहाँ पर column number या row number automate होगा, and दूसरा है index. Next function is index. इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करके आप लोग रिवर्स लुकअप कर सकते हो। ओके, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करके आप लोग रिवर्स लुकअप कर सकते हैं। सो मैच का जो फंक्शन है वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, मैच का जो फंक्शनैलिटी है, मैच का एट्रीब्यूट्स कैसे देने हैं वो सब हम लोगों ने देखा है। नाउ लेट्स सी इंडेक्स का एट्रीब्यूट्स क्या है, इंडेक्स का सिंटैक्स क्या है। ओके, चलो, सेम वे इंडेक्स सी, तुरंत आपको हेल्प अवेलेबल हो गई है। क्या करेगा इंडेक्स फंक्शन, रिटर्न्स अ वैल्यू और रेफरेंस ऑफ अ सेल एट द इंटरसेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर रो एंड कॉलम इन अ गिवन रेंज। जो आप टेबल रेंज या रेंज सेल रेंज आप उसको दोगे और फिर बाद में आपको उसका कॉलम नंबर एंड रो नंबर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, वो कॉलम नंबर और रो नंबर का इंटरसेक्शन जहां पर रहेगा वो डेटा इंडेक्स फंक्शन रिट्रीव करके देगा। सो टेबल आ रहे, मैं ये सिलेक्ट करता हूं टेबल आ रहे, आई सिलेक्ट दिस टेबल, F4 कर देता हूं, रो नंबर, लेट्स से रो नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 1। सो नाम आया वहां पर जॉन मुश्ताक, सो रो नंबर 5
दिस इज द रो नंबर 5 एंड दिस इज द कॉलम नंबर 1। इंटरसेक्शन पे अगर अब अगर मैं कॉलम नंबर चेंज कर दूं, लेट्स से कॉलम नंबर मैं चेंज कर देता हूं, कॉलम नंबर 4 कर देता हूं, तो ये मुझे बिल नंबर दे देगा 1504। कॉलम नंबर 4 रो नंबर 5 दोनों के इंटरसेक्शन पे जो डेटा रहेगा वो रिट्रीव होगा एंड द डेटा रिट्रीव्ड इज 1504। ओके, तो अब देखते हैं बिल नंबर से हम लोग डेटा रिट्रीव कैसे कर पाए। चले यहां पर एक बिल नंबर ले लेता हूं मैं, लेट्स से 1505। ओके, अब मुझे कस्टमर नेम सर्च करना है। नाउ सी, कोई भी फंक्शन जब हम लोग यूज करते हैं लुकअप वैल्यू मैच होनी चाहिए। इधर कस्टमर नेम है, इधर स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ है, CUST डॉट दे दिया है आपने, और इधर कस्टमर नेम कस्टमर वर्ड पूरा है तो सर्च नहीं होगा। अगेन उसके लिए कुछ और वाइल्ड कार्ड ये वो सब यूज करने पड़ेंगे। ओके, ठीक है। सो नाउ कस्टमर नेम के लिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडेक्स। ओके, आरए सिलेक्ट कर लेते हैं यहां से, ये पूरा टेबल आरए सिलेक्ट कर लिया, प्रेस F4। ओके, ठीक है, इसको साइड में ले लेता हूं, कॉमा दे दिया। अब रो नंबर डिफाइन करना है, रो नंबर डिफाइन करना है मुझे। आई विल यूज मैच फंक्शन। ओके, अब मैच फंक्शन यूज कर लिया, मुझे वर्टिकल लुकअप देखना पड़ेगा। आई हैव टू सी लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू इज दिस 1505। F4 कर दिया, उसको कॉमा दे दिया। यहां पर अगर नहीं दिखता रहेगा, एड्रेस बार में देखिए फंक्शन। ओके, सो लुकअप आरे इज दिस, मेरा बिल नंबर का कॉलम पूरा नीचे तक सिलेक्ट कर लिया, उसको भी F4 प्रेस कर दिया। मैच टाइप 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, कॉमा दे दिया। नाउ सी, मेरा इंडेक्स फंक्शन शुरू हुआ, इंडेक्स फंक्शन का टेबल आरे डिफाइन किया मैंने, वहां पर रो नंबर डिफाइन किया, रो नंबर के लिए वर्टिकल लुकअप किया। अब कॉलम नंबर 1 आना चाहिए, या तो मैं मैन्युअली यहां पे 1 ले लूं, तो विवेक शुक्ला आ गया। अब कॉलम नंबर भी अगर मैन्युअली नहीं डालना रहेगा तो आप यहां पर भी मैच फंक्शन यूज कर सकते हैं। पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले रिट्रीव कर लेते हैं डेटा। ओके, कॉपी कर लिया फॉर्मूला, कॉलम नंबर 2 एड्रेस के लिए, सिटी के लिए कॉलम नंबर 3, अमाउंट के लिए कॉलम नंबर 5, जीएसटी के लिए कॉलम नंबर 6 एंड टोटल के लिए कॉलम नंबर 7, राइट। अब यहां पर क्या हुआ, रो नंबर तो हम लोगों ने बराबर ले लिया, मैन्युअली नहीं डाला है, मैच फंक्शन यूज किया है। कॉलम नंबर के लिए भी मैच फंक्शन यूज कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विद मैच, लुकअप वैल्यू इज योर कस्टमर नेम, कॉमा दे दिया, लुकअप अरे इज योर हेडर्स में सर्च करना है। जब भी आपको कॉलम नंबर चाहिए रहता है, हेडर्स में सर्च करना, एंड मैच टाइप 0 ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट। डेटा पूरा आ गया, यहां क्या हुआ, नॉट अवेलेबल आ रहा है। ओके, स्पेस है यहां पर, ऑलराइट, बहुत कॉमन एरर है ये, स्पेस आ जाता है बीच में। ऑलराइट, दिस इज हाउ यू कैन यूज रिवर्स लुकअप। नाउ सी, ये जो थे सिटी एड्रेस एंड कस्टमर नेम बिल नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में है। ओके, एंड अमाउंट जीएसटी टोटल बिल नंबर का जो कॉलम है उसके राइट हैंड साइड में है। रिवर्स लुकअप भी किया हम लोगों ने एंड फॉरवर्ड लुकअप भी किया। नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मैच फंक्शन, मैच फंक्शन विल गिव यू द रो नंबर एंड कॉलम नंबर, दैट्स इट। जो रो नंबर ऑटोमेट करने के लिए है वो वैल्यू सर्च करेगा और वो कौन से रो में है, फिफ्थ नंबर रो में है,
सिक्स नंबर रो में है, सेवेंथ रो में है, वो रो नंबर देगा आपको, या फिर आपने हॉरिजेंटल लुकअप किया तो कॉलम नंबर मिलेगा। दिस इज मैच फंक्शन। अगेन आई एक्सप्लेन। सो से फॉर एग्जाम्पल, इफ अच्छी आई वॉन्ट टू सर्च लेट्स से गायत्री भानुशाली, गायत्री भानुशाली कितने नंबर के रो में है? दिस इज रो नंबर 8। ओके, रो नंबर 8 में है गायत्री भानुशाली नाम। अब अगर मुझे वो गायत्री भानुशाली मैच फंक्शन यूज करूंगा मैं, लुकअप वैल्यू दिस टेबल आ रहे, टेबल आ रहे ले लिया, F4 मैच टाइप 0, सी 8 नंबर आ गया। प्लीज शो अस द फुल फंक्शन अगेन। श्योरली दिस इज द फुल फंक्शन। इंडेक्स से स्टार्ट किया हम लोगों ने, इंडेक्स का फॉर्मेट जो है सिंटैक्स, या फिर जिसको अट्रीब्यूट बोला जाता है, प्रॉपर एक्सेल का जो लैंग्वेज है उसको अट्रीब्यूट्स, ये जो देते हो आप डेटा इनपुट, इनको बोला जाता है अट्रीब्यूट्स। सो फर्स्ट अट्रीब्यूट है लुकअप वैल्यू, दूसरा अट्रीब्यूट है सॉरी इंडेक्स का फर्स्ट अट्रीब्यूट है टेबल आर ए, ओके, एंड दूसरा अट्रीब्यूट है कॉलम नंबर, रो नंबर, एंड थर्ड अट्रीब्यूट है कॉलम नंबर। तो रो नंबर और कॉलम नंबर के जगह पे हम लोगों ने मैच फंक्शन यूज किया। ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड। सो पार्शियल टेक्स्ट लुकअप यूजिंग इफ फंक्शन। अब डेटा क्या है वो देख लेते हैं पहले। प्रोडक्ट दिया हुआ है मेरे पास, बिल नंबर दिया हुआ है, एंड अमाउंट दी हुई है। अब करना क्या है, यहां पर बिल नंबर में अगर के एन है, के एन है, तो ये 63,400 जो है कर्नाटक के कॉलम में आना चाहिए। इफ इट कंटेन्स के एन, कर्नाटक के कॉलम में आना चाहिए। इफ इट कंटेन्स एमपी, एमपी के कॉलम में आना चाहिए। ओके, इफ इट कंटेन्स एमएच तो एमएच के कॉलम में आना चाहिए वो अमाउंट, और बाकी जगह पे ब्लैंक हो जाना चाहिए। ऑलराइट, ये हम लोगों को चाहिए। एनी सजेशन फ्रॉम द एक्सपर्ट्स इन स्टूडेंट्स, अटेंडीज में से जो एक्सपर्ट्स रहेंगे, मिड, ओके, मिड फंक्शन, टेक्स्ट लुकअप, ओके, चलिए देखते हैं। ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ये वी लुकअप से भी किया जा सकता है, बट स्पेसिफिकली हम लोग, हाँ वो तो सर्च अभी तो वहां पर दिख ही रहा है इसके लिए। ऑलराइट, तो इफ फंक्शन के साथ में हम लोग ये कैसे कर पाएंगे ये देखते हैं। नाउ नॉर्मली क्या होता है, वी लुकअप अलाउज यूजिंग वाइल्ड कार्ड, टेक्स्ट टू कॉलम्स, फाइंड फंक्शन, ट्रू और फॉल्स लॉजिक, ओके, टेक्स्ट टू कॉलम करके कर लो सर, इफ दिस देन, तो आपके कॉलम डेटा बढ़ जाएगा। टेक्स्ट टू कॉलम कर सकते हैं लेकिन डेटा बढ़ जाएगा फिर आपका, ओके, एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल के 1819 एमपी 19 से फॉर एग्जांपल बिल नंबर 2 जो है ये 1819 एमपी स्लैश 19 दिया हुआ है, और अगर वहां पर दिया हुआ रहता था एमपी 1819 एंड 19 सेम फॉर्मेट्स में नहीं है,
then in that case text to column may not work. All right, चलिए काफी सारे सजेशन आ गए. हम लोग अभी फिलहाल ये करने वाले इफ फंक्शन के साथ में. नॉर्मली इफ फंक्शन जो है उसका ट्रू और फॉल्स या यस और नो में आंसर आना चाहिए, तभी आप लोग आगे बढ़ सकते हो. सो यूज ऑफ वाइल्ड कार्ड्स इज नॉट परमिटेड इन इफ फंक्शन. वी लुकअप में आपने वाइल्ड कार्ड यूज कर लिया, बट इफ फंक्शन के साथ में वाइल्ड कार्ड इज नॉट अलाउड. Use of wildcard is not allowed. So for that purpose, हम लोगों को कुछ और combinations देखने पड़ेंगे. अब ये जो है उसके लिए तीन functions हम लोग यहाँ पर use करने वाले हैं. Search, is number and if. ठीक है? Search and find, these are two same functions. Search and find same functions है. The only difference in search and find is find is case sensitive, search is non case sensitive. Okay, find is case sensitive and search is non case sensitive. ठीक है. Surely I'll tell you the if error function as well, don't worry. So यहां पर पहले हम लोग देखो फॉर्मूला बिल्डअप कैसे करना होता है. ठीक है, पहले सर्च करते हैं. सर्च फाइंड टेक्स्ट, फाइंड दिस टेक्स्ट, F4 कर देता हूं इसको. ओके, कॉमा दे देता हूं. विद इन टेक्स्ट, विद इन दिस टेक्स्ट, वैल्यू एरर आया. ओके, ये वैल्यू एरर आएगा बिकॉज इट डजंट कंटेन दैट पर्टिकुलर वैल्यू. ओके, ठीक है. सो नाउ सी, केएन है इस टेक्स्ट में. सो उसने केएन सेवेंथ पोजीशन बता दी हम लोगों को. व्हाई सेवेंथ पोजीशन? सर्च फंक्शन विल रिटर्न द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर. केएन सर्च किया ना आपने, देखो केएन सर्च करने के लिए बोला उसको कि भैया केएन कहां है क्या इसमें, तो बता दो, अदरवाइज वैल्यू एरर आएगा. अगर उसको जो रिक्वायर सर्च लुकअप वैल्यू दिया हुआ है आपने, वो अगर मिला नहीं तो वैल्यू एरर आएगा. जहां पर अवेलेबल है वहां पर नंबर दे देगा वो. ओके, ठीक है. सेवन पोजीशन पे केएन है. सेवन पोजीशन कैसे? सी, दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर, 4, 5, 6, ये पहले 6 कैरेक्टर्स हुए. And K, the first character, is at 7th position. उसने सर्च कर लिया. ठीक है, अब देखो MP के लिए देखते हैं. MP के लिए बाकी जगह पे वैल्यू वैल्यू एरर आ गया, लेकिन MP के वहां पर 7 आ गया. राइट, और आगे कॉपी करके देखते हैं. JK, JK के कॉलम में 7 आ गया, बाकी जगह पे वैल्यू एरर है बिकॉज द स्पेसिफाइड कैरेक्टर इज नॉट अवेलेबल इन द टेक्स्ट स्ट्रिंग. ओके, अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. ठीक है, दूसरा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम लोग, इज नंबर. क्योंकि इफ फंक्शन जब हम लोग यूज करते हैं तो हम लोगों को आउटपुट चाहिए रहता है, आइदर ट्रू या फिर फॉल्स. यहां पर वैल्यू एरर नहीं दे सकते हम लोग. ओके, वैल्यू एरर अगर आ रहा है तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इफ फंक्शन में यूज नहीं कर पाएंगे उसको. तो हम लोगों को इफ फंक्शन यूज करने के लिए ट्रू या फॉल्स वैल्यू चाहिए. So, यहां पर सर्च के वहां पर हम लोग डालेंगे इज नंबर. इज नंबर फंक्शन क्या करेगा? इज नंबर विल चेक कि आउटपुट जो है वो नंबर है या नहीं. अगर नंबर है तो ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज द रिजल्ट विल बी फॉल्स. कॉपी. देखिए, जहां पर उसको केएन मिल गया, उसको अगर स्टेट मिल गया तो वहां पर ट्रू आ गया अभी, और जहां पर स्टेट नहीं मिला है उधर फॉल्स है. एमपी में ट्रू आ गया, नीचे और कॉपी करोगे जेके में ट्रू आ जाएगा. ठीक है,
तो अब हम लोगों का फॉर्मूला और आगे चला गया। अब ट्रू या फॉल्स मिल गया है, वी कैन यूज इफ फंक्शन। इफ इफ से स्टार्ट कर दिया, लॉजिकल टेस्ट ऑलरेडी हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। लॉजिकल, वी आर रेडी विद द लॉजिकल टेस्ट, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये ट्रू है तो बॉस ये नंबर ले लो, अगर ये ट्रू है तो ये नंबर ले लो। कॉलम नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, इसके लिए F4 प्रेस कर दिया, बराबर। अदरवाइज जीरो, कॉपी कर लो, दैट्स इट जी। 63400 आ गया, जहां पर ट्रू था वहां पर 63400 आ गया। एंड वी हैव परफॉर्म पार्शियल टेक्स्ट लुकअप विथ इफ फंक्शन यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्च एंड इज नंबर। अब जहां पर उसको डेटा मिलेगा, जैसे जैसे आप कॉपी करते जाओगे, जहां पर जम्मू कश्मीर है, जेके मिल गया इस टेक्स्ट में, तो जम्मू कश्मीर में डेटा ले लेगा। अब नीचे कॉपी, फिर से कर्नाटक में आएगा, फिर यूपी में नंबर दिखने लग जाएगा, फिर आप कॉपी करोगे टीएन में दिखेगा, देन अगेन यूपी, यूपी एमपी जेके एंड सो ऑन। पूरा कॉपी कर लो नीचे तक, एंड योर डेटा इज बाइफर्केटेड, एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड आर एट द एंड ऑफ द लिस्ट यू आर अवेलेबल विद द सेल्स डेटा ऑफ महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। डेटा बाइफर्केट हो गया आपका। ओके, ऑलराइट, so this is how you can you perform partial text lookup using if function. Partial text lookup आप perform कर सकते हो using if function. चलिए आगे बढ़ते हैं, macros. Macros normally हम लोग जो ओके, लेट्स सी व्हेन टू यूज मैक्रोज, मैक्रोज काम में कब लाने चाहिए। द बेसिक आइडिया फॉर मैक्रोज, बिलीव मी मेरे को विजुअल बेसिक कोडिंग नहीं आता है और मैंने कभी उसको सीखने की कोशिश भी अभी तक की नहीं है, बट अभी मुझे लगता है कि वी लुकअप हम लोगों ने, वी लुकअप का कोडिंग हम लोगों ने देखना चाहिए। ओके, सो नाउ ये कुछ डेटा है, अब हम लोग देखते हैं कि मैक्रोज यूज कब करने चाहिए। नॉर्मली अगर आपका रिपीटेटिव टास्क है और अनप्रोडक्टिव है, देन इन दैट केस आप लोगों ने मैक्रोज यूज करने चाहिए। तो अब मैक्रोज होते क्या है, मैक्रोज इज नथिंग बट प्री रिकॉर्डेड सेट ऑफ सर्टन फंक्शंस, pre-recorded set of certain functions or commands performed repetitively. अब से फॉर एग्जाम्पल ये येलो मार्क सेल दिख रहा है आपको, येलो मार्क सेल जो है उसको अगर मुझे कॉपी करके इधर पेस्ट करना है, ओके, पेस्ट फेशियल करना है, कॉपी किया पेस्ट किया, पेस्ट फेशियल, राइट, फिर नीचे गए इधर गया पेस्ट फेशियल किया, फिर नीचे गए, रिपीटेटिव हो गया, अनप्रोडक्टिव काम। कैन वी हैव अ मैक्रो फॉर दिस, यस वी कैन श्योरली हैव अ मैक्रो फॉर दिस। कैसे, ये मैं हटा देता हूं। अब मैं इस सेल पे गया, There is one developer tab, या फिर आप लोगों के पास view tab रहेगा तो view tab में भी आता है, सबसे last वाला function है macros, okay? Developer tab में भी है macros,
यहाँ पर एक बटन है रिकॉर्ड मैक्रो, व्यू टैब में भी दिख जाएगा आपको रिकॉर्ड मैक्रो। ओके ठीक है, चलिए देखते हैं। रिकॉर्ड मैक्रो स्टार्ट किया मैंने, ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। दिस डायलॉग बॉक्स सेज मैक्रो नेम, मैक्रो का नाम दे सकते हो आप। लेट्स से मैं देता हूं कॉपी पेस्ट, ओके। शॉर्टकट की अगर आपको कुछ देना रहेगा तो भी दे सकते हैं। प्रवेश आई एम ऑडिबल राइट? यस सर, यस सर, ओके यस सर, ऑडिबल, इट्स गोइंग परफेक्टली फाइन। ओके ओके थैंक यू, थैंक यू तन्मय। ऑलराइट, सो मैक्रो का नाम दिया, कॉपी पेस्ट। शॉर्टकट की आप लोग असाइन कर सकते हैं, अगर ऑलरेडी असाइंड शॉर्टकट की कोई रहेगा तो दिस मैक्रो फंक्शन विल गिव यू एन एरर दैट इट इज ऑलरेडी बीइंग असाइंड। आप कोई और की असाइन कीजिए, फॉर द टाइम बीइंग मैं असाइन करता हूँ लेट्स से कंट्रोल शिफ्ट क्यू। ओके कंट्रोल शिफ्ट क्यू असाइन की है। स्टोर मैक्रो इन, ऐसी तीन फंक्शंस, तीन ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पर। फर्स्ट इज पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, सेकंड इज न्यू वर्कबुक एंड दिस वर्कबुक। बाय डिफॉल्ट इट इज दिस वर्कबुक, दैट मींस ये जो मैक्रो है, ये जो प्री रिकॉर्डेड सेट ऑफ कमांड्स है, ये सिर्फ इसी वर्कबुक में काम करेगा, दूसरे वर्कबुक्स में काम नहीं करेगा। न्यू वर्कबुक अगर आपने लिया, एक्सेल विल ओपन अ न्यू वर्कबुक एंड ये मैक्रो वहां पर स्टोर होंगे। एंड पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, अगर आपको लगता है कि अभी जो भी मैं कमांड्स रिकॉर्ड करूंगा, तीन कमांड, चार कमांड, पांच कमांड, अभी जो कमांड्स मैं रिकॉर्ड करूंगा वो अगर मुझे हर फाइल में जो ओपन करूं, हर एक एक्सेल फाइल मेरे सिस्टम पे, हर एक एक्सेल फाइल में वो अवेलेबल होना चाहिए, तो यू शुड स्टोर इट इन पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग हम लोग दिस वर्कबुक में रखेंगे उसको। डिस्क्रिप्शन आपको कुछ अगर डिस्क्रिप्शन देना रहेगा तो दे सकते हैं, यू कैन लीव इट ब्लैंक एज वेल। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देर इज अ की ऑलरेडी असाइंड, नाउ सी देर इज ऑलरेडी अ मैक्रो असाइंड टू दिस की, यू शुड असाइन अ डिफरेंट कीबोर्ड शॉर्टकट। ओके सो दूसरा कोई कीबोर्ड शॉर्टकट देखना पड़ेगा मुझे, आई थिंक आई विल गो अहेड विद कंट्रोल शिफ्ट आर, लेट्स सी इफ इट इज असाइंड, नॉट असाइंड। ओके रिकॉर्डिंग शुरू हो गया मेरा, नाउ सी यहाँ पर अगर आप जाओगे मैक्रोज में, स्टॉप रिकॉर्डिंग दिखेगा आपको, पहले था स्टार्ट रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड मैक्रो था, अब स्टॉप रिकॉर्डिंग दिख रहा है। देन यहाँ पर भी एक छोटा सा बटन एक्टिवेट हुआ है नीचे, विंडो बटन के एग्जैक्ट ऊपर, विंडो बटन के एग्जैक्ट ऊपर, मैक्रो इज करंटली रिकॉर्डिंग, क्लिक टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। यहां से भी आप मैक्रो स्टॉप कर सकते हो। अब यू नीड टू बी केयरफुल कि आप कर्सर आपका कैसे घुमा रहे हो, ठीक है, क्योंकि अगर गलत कर्सर, गलत क्लिक अगर हो गया, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक टेप रिकॉर्डिंग, या फिर आप जो साउंड रिकॉर्ड करते हो, कभी कभी आपके हर एक के मोबाइल में रिकॉर्डिंग का फंक्शन रहेगा, कॉल रिकॉर्ड होता है, आप किसी से बात कर रहे हो, आपके दोस्त से बात कर रहे हो या किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, और उसी बीच में अगर मम्मी आपके ऊपर चिल्लाती है, नॉर्मली होता है, मेरे साथ भी बहुत बार होता है, अभी भी होता है। सो मम्मी अगर कभी चिल्ला देती है या फिर मम्मी आवाज देती है तो वो आवाज भी उसमें रिकॉर्ड हो जाती है। सिमिलर वे यहां पर जो भी आप क्लिक करोगे, कर्सर मूवमेंट होगी, वो रिकॉर्ड होगी एंड कमांड्स भी रिकॉर्ड होंगे। फिलहाल मेरा कर्सर है B8 पर, अब मुझे उसको कॉपी करना है। ऑलराइट, दो कॉलम राइट में मूव हुआ एंड पेस्ट स्पेशल, राइट, दैट्स इट, स्टॉप कर दूंगा मैं रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी इफ इट वर्क्स, कुछ गड़बड़ हुई है अपनी तो देख लेते हैं। अब आई विल अगेन गो टू द डेवलपर टैब एंड मैक्रोज में जाऊंगा, कॉपी पेस्ट और पर्सनल मैक्रो वर्कबुक में का भी मैक्रो यहाँ पर अवेलेबल है, कॉपी पेस्ट वाला जो है उसको
रन करूंगा। सी 46, मैं यहां पर गया सेल B22, मैंने शॉर्टकट की असाइन की थी कंट्रोल शिफ्ट आर, सी 61 आ गया, कंट्रोल शिफ्ट आर 51 आ गया। अब कोई भी जगह पर आप जाओगे कंट्रोल शिफ्ट आर करोगे तो वो राइट में पेस्ट हो जाएगा। सी दो कर्सर मूवमेंट, दो कर्सर राइट में जाएगा और पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो रिपीटेटिव कमांड्स अगर आपके है तो आप लोग मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं उसके लिए। दूसरा एक एग्जांपल है, कैन वी रिमूव असाइंड की फॉर मैक्रोज? यस वी कैन रिमूव द असाइंड की फॉर मैक्रोज, एडिट करने पड़ेंगे बट वो एडिटर में जाता है और वहां से आपको वो चेंजेस करने पड़ेंगे। सो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ कोडिंग, विजुअल बेसिक कोडिंग आना चाहिए। अगर आपने गलत की असाइन कर दिया, आपको अगर वो की नहीं चाहिए, रिकॉर्ड अ फ्रेश मैक्रो। ऑलराइट, अब यहां पर कुछ डेटा दिया हुआ है। वेबिनार स्टॉप्ड अगेन सर, पूर्वेश वेबिनार स्टॉप हुआ है मेरी साइड से, दिक्कत है क्या कुछ? नो सर, चालू है कंप्लीटली, इंटरनेट एक्सेस, इट्स वर्किंग फाइन। ओके ओके, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। चलिए ये देख लेते हैं, ये एक डेटा दिया हुआ है कुछ, ठीक है, मैक्रो एग्जांपल टू। मैं एक शीट इंसर्ट करता हूँ यहाँ पर और वो डेटा कॉपी कर लेता हूँ सो दैट हम लोग फिर से उसको यूज कर सके। ऑलराइट, ये डेटा मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब यहां पर दिक्कत क्या हुई है कि मेरा जो रिकॉर्ड है, जूम आउट कर ले, जूम इन कर लेता हूं थोड़ा सा। ऑलराइट, मेरा जो रिकॉर्ड है दो, एक एक रिकॉर्ड दो लाइंस में आ रहा है। अब मुझे ये रिकॉर्ड एक ही लाइन में चाहिए। आई वॉन्ट टू फिनिश दिस, आई वॉन्ट फिनिशिंग इन दिस रिकॉर्ड, एंड एक ही लाइन में एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए। तो फिर इसके लिए क्या क्या ऑपरेशंस मुझे परफॉर्म करने पड़ेंगे? एक तो ये जो डेटा है सेकेंड लाइन का, इधर पेस्ट करना पड़ेगा हर एक स्टूडेंट के लिए, बराबर। फिर ये जो एक्स्ट्रा लाइन है ये डिलीट करनी पड़ेगी हर जगह से, हर एक रिकॉर्ड के बाद में एक एक्स्ट्रा लाइन आ जाएगी, वो मुझे डिलीट करनी पड़ेगी, बराबर। कंट्रोल माइनस एंटायर रो एंड अगेन एंटायर, सो दिस इज हाउ माय रिकॉर्ड विल बी इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। ये ऑपरेशंस मुझे बार बार परफॉर्म करने पड़ेंगे। सो ये ओरिजिनल इसमें आ गया, फिर से कंट्रोल जेड कर दिया मैंने। तो अब मैं अगर रिकॉर्ड परफॉर्म करता हूं, ये ऑपरेशंस परफॉर्म करता हूं, तो क्या ऑपरेशंस होंगे? ये मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, नीचे गया और पेस्ट कर दिया, और पेस्ट कर दिया, ओके, एंड अगेन सिलेक्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट स्पेशल कर दिया। पूर्वेश, हाउ मच टाइम यू आर अवेलेबल विथ? सर वी हैव अराउंड 20 मिनट्स, 20 25 मिनट्स मोर, 20 25 मिनट्स मोर, ओके। I believe और कोई सेमिनार है 4 बजे? नो सर, कोई सेमिनार नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो अभी क्या किया हम लोगों ने? पहला ऑपरेशन परफॉर्म किया है, कॉपी किया डेटा, पेस्ट स्पेशल किया, ठीक है। सेकेंड ऑपरेशन पेस्ट स्पेशल किया है। थर्ड ऑपरेशन हम लोग फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं पूरे डेटा को, और DFF फिल्टर लग गया, ओके। फिल्टर लगने के बाद में जो ब्लैंक रोज है वो हटाने हैं हम लोगों को, तो शो ओनली द ब्लैंक्स,
ये ब्लैंक रोज सिलेक्ट कर लिए। शिफ्ट स्पेस कंट्रोल माइनस ऑल्ट एसी, दैट्स इट। सो यहां पर मैं ऑपरेशंस फिर से लिख देता हूं। क्या क्या किया हम लोगों ने, पहले तो डेटा कॉपी कर लिया, दूसरा पेस्ट फिशल किया, थर्ड हम लोगों ने फिल्टर अप्लाई किया है, एंड फोर्थ ब्लैंक रो डिलीट किए। ये चार ऑपरेशंस हम लोगों ने परफॉर्म किया है। ओके, नाउ इमेजिन आपका डेटा 50 स्टूडेंट्स का ही है। ओके, हर बार नया डेटा आपके पास आ रहा है 50 स्टूडेंट्स का, और हर बार आपको ये ऑपरेशंस, चारों ऑपरेशंस बार बार परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। In that case, what you can do is you can record a macro to perform all these four operations for you. ठीक है, कैसे? Control C करता हूं, again नया worksheet insert करते हैं। Worksheet insert हो गया, paste visual। ठीक है, ये data फिर से आ गया अपने पास। अब हम लोग शीट वन में जो ऑपरेशंस हम लोगों ने ये परफॉर्म किए, ओके, सेम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, नो चेंज, बट ओनली आफ्टर स्टार्टिंग टू रिकॉर्ड द मैक्रो। मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद में ये चारों ऑपरेशंस हम लोग अब परफॉर्म करेंगे। ओके, कर्सर मेरा सेल A1 पर है, माय कर्सर इज ऑन सेल A1। ऑलराइट, ठीक है, माय कर्सर इज ऑन सेल A1। अब मैं डेवलपर टैब में जाता हूं, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, मैक्रो का नाम पूछ रहा है वो मुझे, सो आई विल गिव वन लाइन डेटा इन वन लाइन, डेटा इन वन लाइन, कंट्रोल Shift T और Control Shift O दे देता हूं, नो प्रॉब्लम। ओके प्रेस कर दिया है मैंने, एंड नाउ सेम ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, मैं सेल F1 में गया, वहां पर इज इक्वल टू नीचे का सेल ले लिया, उसको कॉपी किया, सबसे नीचे वाले रो नंबर 102 में गया, एंड यहां पर पेस्ट कर दिया डेटा पूरा। ओके, कॉपी किया एंड पेस्ट स्पेशल कर दिया, सेकंड ऑपरेशन भी परफॉर्म कर दिया, राइट। पूरा डेटा सिलेक्ट किया, फिल्टर अप्लाई किया, LTFF, नेम कॉलम में गया एंड ब्लैंक्स ऑन कर दिए, एंड जो ब्लैंक वाले रो हो गए थे वो डिलीट कर दिया, कंट्रोल माइनस ऑल्ट AC, ऑल क्लियर। सेल A1 में गया एंड रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिया। ओके, सेम ऑपरेशंस हम लोगों ने परफॉर्म किया है, डेटा पूरा कॉलम में आ गया। ओके, सेम सिंबल एक ही लाइन में मेरा डेटा आ चुका है। अब देखते हैं, फिर से मैं डेटा कॉपी करता हूं, शीट इंसर्ट करता हूं, शीट 3 में वो डेटा पेस्ट स्पेशल किया। ऑलराइट, मेरा कर्सर सेल A1 पर है, मेरा कर्सर सेल A1 पर है। हम लोगों ने शॉर्टकट की दिया था,
उस मैक्रो को कंट्रोल शिफ्ट ओ. नाउ आई एम प्रेसिंग कंट्रोल शिफ्ट ओ. सी पूरा डेटा एक लाइन में आ गया मेरा. Within fraction of a second, my data is formatted. Within fraction of a second, my data is formatted. Formatting mere data ka complete ho chuka hai. Okay. Theek hai. So this is how you can record macros. Ab आगे के एग्जांपल के पास बढ़ते हैं. सी मेनी टाइम्स क्या होता है, मैक्रोस तो आप रिकॉर्ड कर लेते हो ओके, लेकिन वो मैक्रो सेम जगह पर जाकर परफॉर्मेंस देता है. सी एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, देन वी विल डिस्कस द डिफरेंसेस. सी राइट नाउ आई एम इन शीट नंबर मैक्रो एग्जांपल 1 सेल G23. सेल G23 में हूं मैं, एक मैक्रो रिकॉर्ड करता हूं. केदार नाम देता हूं उसको एंड कंट्रोल शिफ्ट ए, क्लिक ओके. अब सेल G23 पर हूं मैं, मैंने 10 रोज सिलेक्ट किए, 4 कॉलम सिलेक्ट किए हैं. मैं होम टैब पर गया, येलो किया सेल्स को, बॉर्डर दिए, ठीक है, केदार टाइप किया उसमें, प्रेस कंट्रोल एंटर, पूरा कंट्रोल एंटर प्रेस कर दिया, बोल्ड किया, राइट, एंड सेल L23 में आके मैक्रो स्टॉप कर दिया. ऑलराइट, ठीक है. Okay, so now what I'll do, I'll delete this macro example 1 me, I'll delete all this, control minus, shift cells left, left me shift ho gaya cells pure, delete ho gaya. Alright, ab mera cursor hai सेल A1 पर. ओके, शॉर्टकट की क्या दी थी हम लोगों ने, कंट्रोल शिफ्ट ए. अब मैं डेटा परफॉर्म कर रहा हूं, सी कंट्रोल शिफ्ट ए. क्या हुआ ऑपरेशन, अगेन द कर्सर ऑपरेशंस कहां पर परफॉर्म हुए, सेल G23 पे जाके सेम ऑपरेशंस फिर से परफॉर्म हुए. 10 रो सिलेक्ट हुए, येलो सेल हो गया, बॉर्डर हो गया, केदार नाम टाइप हो गया, बोल्ड हो गया. फिर से कंट्रोल माइनस कर देता हूं, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, डिलीट कर दिया मैंने. नाउ आई एम इन सेल O28. ओके, O28 पे हूं मैं, राइट. मैं फिर से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, कंट्रोल शिफ्ट ए. फिर क्या किया एक्सेल ने, फिर सेल G23 पे गया, फिर से ऑपरेशन सेम ऑपरेशंस परफॉर्म किए. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये ऐसे क्यों हो रहा है, वो बार बार वहां पर जाके क्यों कर रहा है. मैं जहां पर उसको बोल रहा हूं, कर्सर जहां पर लेके जा रहा हूं, वहां पे क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा, ठीक है. सो देयर इज अ डिफरेंस, देयर आर टू टर्म्स यूज इन मैक्रो रिकॉर्डिंग, वन इज एब्सोल्यूट रेफरेंस, वन इज रिलेटिव रेफरेंसेस. ओके, relative references, thank you Sonal, relative references and absolute references. Okay, let's understand these two different concepts.
एंड देन विल अगेन रिकॉर्ड द सेम मैक्रो। ओके ठीक है। रिलेटिव रेफरेंसेस इन मैक्रोज एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसेस, अभी फिलहाल एब्सोल्यूट रेफरेंसेस है। एब्सोल्यूट रेफरेंसेस क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इट इज एब्सोल्यूट रेफरेंसेस। एब्सोल्यूट रेफरेंसेस क्या कहते हैं, मैक्रो जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, द मैक्रो और एक्सेल रिमेंबर्स योर सेल एड्रेस, कौन से सेल पर जाकर आपने ऑपरेशंस परफॉर्म किए। इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैं सेल G23 में हूँ, मैंने 10 रोज सिलेक्ट किए, मैंने 5 कॉलम सिलेक्ट किए, केदार नाम लिखा, बॉर्डरिंग किया, येलो सेल किए, येलो बैकग्राउंड किया, ऑल दोज ऑपरेशंस मैंने आपको बताए। ओके एब्सोल्यूट रेफरेंसेस, तो मैक्रो ने क्या किया या एक्सेल ने क्या किया, उसने सेल एड्रेस याद रखा, सेल G23 पे जाके मुझे 10 रो सिलेक्ट करने हैं, 5 कॉलम सिलेक्ट करने हैं, वहां पर येलो बैकग्राउंड देना है, वहां पर केदार नाम टाइप करना है, उसको बोल्ड करना है, बॉर्डर करना है, ये सब ऑपरेशंस उसने याद रखे। और जब वो डेटा डिलीट हुआ, मैक्रो फिर से परफॉर्म किया गया, फिर से उसने जाके सेल G23 पे गया, सभी ऑपरेशंस फिर से परफॉर्म किए। दिस इज एब्सोल्यूट रेफरेंसेस, दिस इज एब्सोल्यूट रेफरेंसेस, इट रिमेंबर्स द सेल एड्रेस। ओके नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज रिलेटिव रेफरेंसेस। In case of relative references, Excel will remember the cursor movement instead of cell addresses. Excel will remember the cursor movements instead of cell addresses. अब मैं शीट 3 में जाता हूं या फिर शीट 1 में ही, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम मैक्रो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे लेकिन कर्सर मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए, सेल एड्रेस याद नहीं रखेंगे। अभी फिलहाल मेरा सेल कर्सर है D53 पर। ओके D53 पर है। अब मैं फिर से सेम मैक्रो रिकॉर्ड करता हूं, मैक्रोज में जाता हूं मैं, आई स्टार्ट रिकॉर्डिंग एंड केदार 2। इसको मैं शॉर्टकट की देता हूं कंट्रोल शिफ्ट एस, आई डोंट नो वेदर दिस विल बी वैलिड और नॉट। ओके इट्स वैलिड। ऑलराइट मेरा मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। अब मैं मेरा कर्सर 2 कॉलम राइट में ले रहा हूं, F53 पे आ गया, मैंने 10 रोज सिलेक्ट किए, 5 कॉलम सिलेक्ट किए। ओके मैं होम टैब में गया, बॉर्डर किया, येलो बैकग्राउंड किया, बोल्ड किया, केदार वर्ड टाइप किया, कंट्रोल एंटर प्रेस कर दिया, मैं सेल K53 पे आया एंड मैंने मैक्रो स्टॉप किया। ओके अच्छा एक मिनट, रिलेटिव रेफरेंसेस ऑन नहीं किया था, माय मिस्टेक। ये मैक्रो हम लोग डिलीट कर देंगे, रिलेटिव रेफरेंसेस ऑन नहीं किया था मैंने, सो अगेन एब्सोल्यूट रेफरेंसेस में ही मैक्रो रिकॉर्ड हो गया है। ऑलराइट ठीक है, डिलीट कर दिया। मेरा सेल कर्सर अभी D53 पे है। डेवलपर टैब में यूज रिलेटिव रेफरेंसेस ऑन किया मैंने। ओके बाय डिफॉल्ट एब्सोल्यूट रेफरेंसेस होता है, रिलेटिव रेफरेंसेस मैंने ऑन किया है अभी। व्यू में भी आप लोग ऑन कर सकते हो यूज रिलेटिव रेफरेंसेस। ओके सो नाउ D23 पे है, आई विल आस्क मैक्रोस टू स्टार्ट, सॉरी रिकॉर्ड मैक्रो बोलूंगा मैं, इसको केदार 2 नाम दिया, कंट्रोल शिफ्ट एस एंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग। 2 सेल राइट में गया, 10 रोज सिलेक्ट किए, 5 कॉलम सिलेक्ट किए, होम टैब में गया, येलो बैकग्राउंड किया, बॉर्डर किया, बोल्ड कर दिया, केदार वर्ड टाइप किया, कंट्रोल एंटर प्रेस कर दिया एंड सेल K53 पे आके मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिया। ओके अब एक्सेल ने क्या ध्यान दिया है, कर्सर मूवमेंट्स याद रखी है एक्सेल ने। नाउ सी, अब मेरा सेल कर्सर है E66 पे, कर्सर है E66 पे। ओके अब मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल शिफ्ट एस, सी उसने क्या किया, 2 कॉलम राइट में गया और फिर ऑपरेशंस परफॉर्म किए।
फिर से मैं कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करता हूं, वो उसके आगे करता जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एस जितना प्रेस करूंगा दो कॉलम राइट में जाएगा और ऑपरेशन परफॉर्म करता जाएगा। इट डू नॉट रिमेंबर योर कर्सर, डू नॉट रिमेंबर योर सेल एड्रेस। एब्सोल्यूट रेफरेंसेस सेल एड्रेस याद रखेगा, एंड रिलेटिव रेफरेंसेस इट रिमेंबर्स द कर्सर मूवमेंट। ठीक है, अगले एग्जाम्पल के पास बढ़ते हैं। अब यहां पर ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं हम लोग। ये कुछ डेटा दिया हुआ है हम लोगों को। ओके, एक नया शीट इंसर्ट करता हूं मैं यहां पर। ओके, सो अब मुझे डेटा कैसा चाहिए? ये जो है ऊपर वाला बॉर्डर हो जानी चाहिए, उसको फॉर्मेटिंग हो जाना चाहिए प्रॉपरली। यहाँ पर बाजू में एवरेज कलेक्शन चाहिए, सो दिस डिवाइडेड बाय दिस, कॉपी नीचे तक पेस्ट कर दिया, दिस बिकम माय एवरेज कलेक्शन। एंड जो पूरा डेटा रिकॉर्ड है उसको बॉर्डर, राइट, दिस इज माई इनपुट एंड दिस इज द आउटपुट, ऐसा आउटपुट चाहिए, राइट। सो ये ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग किया जा सकता है, एड्रेसेस चेंज, आपका टोटलिंग लिया जा सकता है, एवरीथिंग कैन बी परफॉर्म्ड। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेम एग्जाम्पल है, सो दिस हाउ यू कैन रिकॉर्ड मैक्रोज। इसमें और एडवांस कमांड्स भी है मैक्रोज में, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम श्योरली जब और कोई लेक्चर रिकॉर्ड लेक्चर शेड्यूल होगा तब देखेंगे। एक छोटा सा फीचर है फ्लैश फील, हार्डली टेक 5 मिनट्स, अनदर 5 मिनट्स। फ्लैश फील क्या है वो देख लेते हैं। मेनी टाइम्स क्या होता है, हम लोगों को बहुत सारा डेटा दिया जाता है, एंड दिस इज एन अल्टरनेटिव। अनिश, आई एम नॉट श्योर, एक्सेल 2019 आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा, एक्सेल के माइक्रोसॉफ्ट का जो वेबसाइट है, या इंटरनेट से ही डाउनलोड करना पड़ेगा, बिकॉज उसका साइज इट इज अराउंड 4 GB, एंड माइन इज द लाइसेंस वर्जन, बिकॉज काफी सारे ट्रेनिंग्स और ये सब लेने होते हैं। सो इफ यू कैन सी दिस इज केदार पांडे, यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑलराइट, सो ये आई एम अफ्रेड आई विल नॉट बी एबल टू शेयर दिस, बट 2007 इज वे टू ओल्ड, आई थिंक वी शुड गो अहेड विथ द न्यूअर वर्जन्स। ओके, सो ये जो फ्लैश फील है ये 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ है, 13 में या 16 में, सो उसके आगे अवेलेबल है फ्लैश फील। मेनी टाइम्स हम लोगों को क्या होता है, टेक्स्ट टू कॉलम को ये अल्टरनेटिव है, टेक्स्ट टू कॉलम काफी सारा डेटा रिकॉर्ड और वो सब प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कभी कभी, तो यहाँ पर फ्लैश फील जो है वो फंक्शन और फॉर्मूला फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है। लेट्स से मुझे अब ये कुछ जो नाम दिए हुए हैं मेरे सामने, इनको अलग करना है, फर्स्ट नेम अलग करना है, लास्ट नेम अलग करना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टाइप रिचर्ड, दूसरे इसमें आई विल टाइप लैरी। देखिए ऑटोमेटिकली नीचे वो सजेस्ट कर रहा है, ऑटोमेटिकली नीचे वो सजेस्ट कर रहा है, अपने आप आ जाएगा, दिस इज नोन एज फ्लैश फील। और अगर उसने सजेस्ट नहीं भी किया, ओके, आपने पहले दो टाइप करने हैं, सो दैट एटलीस्ट उसको पैटर्न पता चले कि क्या पैटर्न है, और फिर पूरे रेंज में कहीं पर भी जाइए आप, प्रेस द शॉर्टकट की कंट्रोल ई, तो वो फिलअप कर देगा, दिस इज फ्लैश फील। ओके,
लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, फ्लैश व्हील इज नॉट डायनामिक, पहली चीज। एंड नो द रिकॉर्डेड मैक्रोज विल नॉट बी डिलीटेड, डोंट वरी। फ्लैश व्हील डायनामिक नहीं है, इसका मतलब तो अगर इधर मैंने नाम चेंज किया तो यहाँ पर जो फ्लैश व्हील का परफॉर्म करके आप लोगों ने डेटा लिया है वो चेंज नहीं होगा। ओके अब जोसेफ स्मिथ सी आ गया, उसने पहले ही सजेस्ट कर दिया। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज फ्लैश व्हील वेरी इफेक्टिवली। काफी सारे यूजर्स है फ्लैश व्हील के, काफी सारे स्टूडेंट्स या मेंबर्स ये यूज करते हैं, टैली यूज करते हैं, हर कोई अपने अपने हिसाब से टैली यूज करता है। डेटर्स से फॉर एग्जाम्पल मुझे जो प्रॉब्लम आता है, डेटर्स की जब लिस्ट देनी होती है तो कुछ डेटर्स कैपिटल फॉर्मेट में होते हैं, कुछ डेटर्स के नाम कैपिटल में होते हैं ऑल कैपिटल, कुछ डेटर्स के नाम प्रॉपर फॉर्मेट में होते हैं प्रॉपर लेटर पहला लेट कैरेक्टर कैपिटल देन स्मॉल में, कुछ सारे ही स्मॉल में होते हैं। सो हर कोई अपने अपने तरीके से वो लेजर्स क्रिएट करते जाता है। सो ऐसा भी होता है। सो ये देखिए ये सारे स्मॉल में है, ये प्रॉपर केस में है, राइट। ये पहला नाम जो है फर्स्ट नेम जो है वो के पूरा कैपिटल में है, फिर स्मॉल में है, लाइक दिस। तो प्रॉपर केस में अगर मुझे करना है तो एक फॉर्मूला मेरे पास अवेलेबल है प्रॉपर, ओके। एंड वी कैन ऑल्सो डू इट बाई यूजिंग फ्लैश व्हील, लेकिन फ्लैश व्हील का दिक्कत क्या है, फ्लैश व्हील डायनेमिक नहीं है। इधर नाम अगर कुछ चेंज हुआ तो फ्लैश व्हील वाला डेटा चेंज नहीं होगा। तो अब अगर मैं उसको बताता हूं कि भैया ये ऐसा है, लैरी स्मिथ देखिए उसने ऑलरेडी नीचे सजेशंस दे दिए हैं, तो उसको पैटर्न रीड करने के लिए एटलीस्ट दो एग्जांपल्स आपको देने पड़ेंगे कि कैसा चाहिए, वो अपने आप नीचे सजेस्ट करता जाएगा। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विथ एक्सेल, और ये आगे काफी सारा पढ़ाते जा रहे हैं अब। दैट्स इट, देखिए ये प्रॉपर केस में आ गया। देन अगर आपको सिर्फ इनिशियल्स चाहिए आरजे एलएस, देखिए बाकी कंट्रोल ई प्रेस कीजिए, कहीं पर भी कंट्रोल ई प्रेस कीजिए वो ले लेगा। सेकंड चीज जो आपको केयर लेनी है, फ्लैश व्हील अगर आपको अप्लाई करना है तो एडजेसेंट सेल में ही अप्लाई करना पड़ेगा जहां पर आपका डेटा है। आप बोलोगे उसने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए आरजे एलएस, और यहाँ पर कंट्रोल ई प्रेस करोगे आप तो एरर शो करेगा कि एक्सेल इज नॉट एबल टू फाइंड एनी पैटर्न। ओके एडजेसेंट सेल में ही काम करेगा। कभी कभी आपको ईयर अलग से एक्सट्रैक्ट करना होता है, सो ईयर 2020 2019 प्रेस कंट्रोल ई, देखिए आ गया आपका डेटा, डेटा एक्सट्रैक्ट अलग हो गया। कभी कभी आपको मंथ चाहिए, मंथ चाहिए तो मंथ भी आप अलग कर सकते हो, इज लेट्स सी 04 06, आई डोंट नो अब ये पैटर्न लेगा या नहीं लेगा। यस पैटर्न ले लिया उसने, लेकिन देखो गलती क्या की है, एक ही कैरेक्टर लिया है। ओके सो मेनी अ टाइम्स अगर उसको पैटर्न बराबर से नहीं मिल पा रहा है, इधर 04 नहीं आ रहा है, अपना 0 नहीं ले रहा है, इसके लिए वो नीचे का उसने एक एक ही कैरेक्टर लिया। ऑलराइट ये आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, स्टिल इट इज इन लर्निंग फेज। मेनी अ टाइम्स हम लोगों को जीएसटी नंबर में से पैन एक्सट्रैक्ट करना होता है, वहां पर भी हम लोग फ्लैश व्हील यूज कर सकते हैं। 5766G HHH, देखिए आगे उसने तुरंत सजेस्ट कर दिया है। ओके एक क्वेश्चन आया है, विल इट वर्क इन द लेफ्ट एडजेसेंट साइड, लेट्स चेक, आई हैवंट चेक्ड इट। यस इट इज वर्किंग इन लेफ्ट एडजेसेंट साइड एज वेल, थैंक यू जेफीना। मैंने ये ट्राई नहीं किया था लेफ्ट वाले में काम करता है या नहीं करता है।
आप लोगों की वजह से नया कुछ सीखने को मिला मुझे। लेफ्ट वाले में भी काम करेगा, बट इट शुड बी एडजस्टेंट टू योर डेटा, इट शुड बी एडजस्टेंट टू योर डेटा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तीन सेल में ओ पी क्यू कॉलम में है और आप एस टी या कोई और कॉलम में या नीचे के रो में ट्राई कर रहे हो। इट शुड बी इन एडजस्टेंट। हाँ राइट ओके। एक इफ एरर वाला आप लोगों को सीखना था, छोटा सा 2 मिनट लूंगा मैं सिर्फ। नाउ से फॉर एग्जांपल मैं वी लुकअप यूज करता हूं यहां पर। वी लुकअप लुकअप वैल्यू दिस टेबल आ रहे, टेबल आ रहे दिस कॉलम इंडेक्स नंबर 2 रेंज लुकअप एग्जैक्ट मैच के लिए 0। ठीक है, यहाँ पर केदार अगर दिया मैंने तो नॉट अवेलेबल आएगा, बट इफ आई गो अहेड विद लैरी स्मिथ देन इन दैट केस एलएस दिखने लग जाएगा यहाँ पर, बट इफ आई गो अहेड विद केदार नॉट अवेलेबल आएगा। सो देन इन दैट केस अगर ऐसे कुछ एरर आ रहे हैं तो वी लुकअप के पहले जाइए, इफ एरर लगाइए, टैप प्रेस करो, दिस बिकम योर वैल्यू, ये पूरा फंक्शन जो है आपका वी लुकअप का दैट बिकम द वैल्यू, उसके बाद में कॉमा लगाइए और उसको बताइए कि क्या एरर आने के बाद में क्या करना है। एरर आने के बाद में अगर आपको वहां पर ब्लैंक चाहिए तो डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए, 2 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा दे दीजिए, ब्लैंक आ जाएगा। इफ इट इज लैरी स्मिथ एलएस दिखने लग जाएगा, इफ इट इज केदार ब्लैंक दिखेगा। अगर आपको चाहिए कि उसने बताना चाहिए नॉट फाउंड, डबल इन्वर्टेड कॉमा में नॉट फाउंड लिख दीजिए। इफ आई गो अहेड विथ जॉन हार्डी इट विल शो शो अस जे एच, इफ यू गो अहेड विथ केदार वो नॉट फाउंड बता देगा। इफ एरर This is how if error works. All right. I think that's it. Enough for the day. हम लोगों का session भी ये हो गया। All right. Over to you, Purvesh and Aishwarya. Thank you, sir. It was indeed a very enriching session, and I'm sure we all had a lot of inputs and value additions to our knowledge. Also, the way you've taken all the questions, covered all our doubts, was really very helpful. Also, the small notes that you're making side by side, showing us the shortcut keys, the importance of macros, and the entire session, I feel that I had a brief of the 15 days IT training that we go through. Surely, yes. Thank you so much for taking out time from your schedule. Also, I would now request Jatin to present the word of thanks. Am I audible? Yeah. Yes, Jatin. A very good evening to all students, sirs, Vikasa members and WSC members. I, Jatin Jagtap, on behalf of Vikasa team and the entire fraternity of the institution, I extend a really hearty vote of thanks to CA Kedar, sir, to spare his precious time from a busy schedule. Thanks for that, sir. Today, we had a great opportunity to hear you and gain some knowledge on MS Excel, which was very helpful, very needful. Today, we have learned something new. Which will going to increase our skill. There was a need of this session as a CA student, we should have a good hand on MS Excel. Like we are doing article sheets and we are doing our training, so we should have a very good hand on MS Excel. And you give such a beautiful knowledge, so thank you for that. And I'd like to add some points. Like wildcard with VLOOKUP, it was amazing. And the thing, match function was something new for me. I hope it was new for every student. But personally, I feel it was new for me. And that reverse VLOOKUP and partial text lookup using if function, that is something new and something easy.
And the macros you have explained in a very simplified word. Macro, it seems very difficult that to learn macros, but you have done a very beautiful and great job to explain it in a very simplified manner. So thank you so much for that. Thank you so much. And we are very glad to have you here. And I would like to thank Vijay sir and Mishra sir, who worked very hard to make this event very successful. And I would also like to thank WSC member and WSC chairman CA Lalit Bajaj to give this wonderful platform where students can connect, learn and prosper. And I must not forget to thank students and viewers who supported us, who believed in us, who cooperated with us. So I'd like to request all the students to follow us on social media and stay tuned for upcoming event. So stay healthy, stay safe. Thank you so much. Over to Aishwarya. Very rightly said, Jatin, and I'm very glad to announce that we had managed to have 420 students reach the entire session, and it's all because of your value addition, sir. The entire credit goes to you. You haven't been so perfect and so detailed in your approach. We would haven't hardly managed to have them. So thank you so much, sir. Thank you, sir. So we call it for the day today. Thank you for having a time with us. And over to you, sir, if you want to have some closing notes from your side. Yeah, I would like to say Excel itna bada hai. The Excel is so vast that sometimes I feel I'm only using 20-25% of its functions. So you also try to learn new things. You can also subscribe to my YouTube channel, Tutor Eco. There's the YouTube channel. You can search on the YouTube. Last kuch ek do mahine se mera video upload karna hua nahi hai, but earlier videos you can go through them as well. Many things have been covered there. Okay, all right, no problem. Thank you guys. That's from my side for today. Enjoy your day. Kedar Pandey signing out. Thank you so much, sir. Also, I would want to address to our audience that the entire session is available on YouTube. It will be uploaded in a few in the coming days. And if anybody wants the link of the drive that we are, the session is going to be recorded, put up on, please text us. We shall do it. Yes. Yeah. Also it is uploaded on the Instagram bio. So Instagram handle in the bio, we have our link. So it is going to be uploaded there as well. And sir, we have a request from one of the audience. The person requests to have the entire Excel sheet for practice. So are we going to have Surely, that? I'll mail this file to Purvesh. I think I have the mail ID WIRC something. Yeah, thank you, sir. I'll mail this file with all the formulas so that you can circulate to the registered participants. Not an issue. That is a really great help, sir. Purvesh, you want to add something? No, nothing, sir. You can mail me. I can put it on the drive and I can share it in the bio. Surely. No problem. I'll mail it right away. Thank you, guys. Okay. Signing out. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, guys. Thank you, sir.